गए होंगे और स्किल को समझना, उसके कंपोनेंट्स को समझना सब लोग जान गए हैं। कुछ स्किल्स बचे हुए हैं, लेकिन जिस स्किल का क्लास हो गया है तो मैं सबसे ये कहता हूं कि आप लोग जो है बारी बारी से अपना प्लान भी तैयार करते चले जाएं। प्लान जो है माइक्रो प्लान आप तैयार करते जाएं, जिस जिस स्किल पर हमें माइक्रो प्लान बनाना है वो आपको सेकंड फेज में दिख जाएगा। सेकंड फेज का जो शेड्यूल है उसमें आपको सबको दिख जाएगा। तो बारी बारी से जिस स्किल का क्लास हो गया है उस क्लास पर मैं आधारित उस क्लास पर मैं आधारित जो चीजें हैं उस पर मैं आप कंप्लीट जो है अपना तैयार कर लीजिए और अपने मेथड के टीचर से भी सहयोग लीजिए, संपर्क करिए उनसे भी, और जो भी सहायता होती है आप उनसे भी ले लीजिए, मदद ले लीजिए। अभी से लगिएगा तो आप लोगों के लिए सुविधा होगी, क्योंकि शेड्यूल आज 3 तारीख हो गया, कल संडे है, कल छुट्टी है, तो फिर आप लोग अपना जो भी प्लान है कुछ उस पर वर्क करके कुछ तैयार कर लीजिए और अपने मेथड के टीचर को व्हाट्सएप करिए, तो सजेशन सलाह मशवरा होगा तो उसको आपको दिया जाएगा। फिर 5 तारीख को, फिर 6 तारीख को भी क्लास है, उसके बाद हम लोग अगले दिन से जो है स्किल के ऊपर में टीचिंग शुरू हो जाएगी। सरेना आप हाथ उठा रही हैं, सरेना कुछ पूछना है, सरेना आप बताएं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बताइए सरेना। सर जैसे हम लोग को मेथड टीचर, हम लोग किससे पूछेंगे, बायोलॉजी साइंस? सौरभ सर से मैंने सर, उसका भी शेड्यूल दिया हुआ है, फर्स्ट फेज में दिया हुआ नीचे। यस सर। सर वो तो मेरे बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए बहुत सारे डाउट हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग सौरभ सर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, आप अपने मेथड से पूछेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके सर। सर मेथड पेपर से ही हम लोग को लेसन प्लान बनाना होगा ना? हाँ हाँ हाँ, अपना जो मेथड है आपका, आपका मेथड क्या बायोलॉजिकल साइंस है तो आप बायोलॉजी पोर्शन से बनाएंगे। सर कोई एक टॉपिक उठा के या फिर कोई एक चैप्टर? कोई एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, क्योंकि 6 मिनट का प्लान है तो उसमें आप चैप्टर नहीं उठाइए, एक टॉपिक उठाइए कोई भी। ओके सर, थैंक यू सर। शिवमणि आपका क्या सवाल है? शिवमणि आपका क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून सर, जैसे बोल रहे हैं सर कि मेथड से ही हम लोग पार्ट मतलब सेलेक्ट करेंगे, बट उसमें जो जो स्किल बारे में बताया गया, जैसे कि एक स्किल है स्किल ऑफ स्टिमुलस के बारे में, तो वो जैसे एक पार्ट लिए और एक स्किल उसमें सेट करके प्लान बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग टॉपिक पर में आधारित अलग अलग प्लान बना लीजिए। स्किल का जो है अलग अलग क्लासेज हुए ना, जैसे स्किल, जैसे 7-5-6 स्किल के बारे में हो चुका है, तो किसी एक स्किल को लेकर किसी एक पार्ट योजना में हम सेलेक्ट करेंगे ना? आप उसी स्किल पर में प्लान बनाइए जो आपको सेकंड फेज में टीचिंग करनी है। सेकंड फेज का जो आप शेड्यूल देखिएगा तो उसमें जो जो स्किल मेंशन किया हुआ है, यदि उस स्किल पर में आधारित स्किल के क्लासेज हो चुके हैं तो आप प्लान स्टार्ट कर सकती हैं बनाना, ठीक है ना। स्किल तो हम लोग 12-13-14 लिए हैं, लेकिन हम लोग को उतना नहीं करना है, हम लोग को मात्र 6 स्किल पर ही जो है आप लोगों को टीचिंग करवानी है। तो वो 6 स्किल में से, जैसे मान लीजिए स्टिमुलस वेरिएशन पे करना है आपको, एक्सप्लेनेशन पे करना है आपको, उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन स्किल पे करना है आपको, तो ये सब प्लान जो है ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर लिए हैं, मेंशन कर लिए हैं, तो क्लासेस भी हो गया है, तो उससे रिलेटेड आप प्लान बना सकती है। क्लियर सिम्बनी? यस सर।
क्योंकि थोड़ा सा डर था कि सारा स्किल एक में करेंगे तो खुद तो नहीं कंफ्यूज नहीं रहेगा। नहीं नहीं अलग अलग स्किल, 6 स्किल 6 प्लान, याद रखिए, 6 स्किल 6 टॉपिक 6 प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति, ज्योति आपका सवाल क्या है ज्योति? हेलो, हाँ ज्योति पूछिए। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सर कॉमर्स के कौन से कॉम, जैसे मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है तो हम कौन से टीचर्स हैं, मतलब अगर कोई डाउट रहा तो पूछेंगे। ये कॉमर्स के जो है हमने उनको बनाया, के सर को बनाया है, आप उनसे संपर्क करेंगे। कौन से सर? सर के सर, कृष्णा सर। यस सर। और सर जैसे शिवमणि दीदी अभी पूछी कि जैसे हम लोग को 6 मिनट में सारा प्लान, मतलब सारा चीज एक में नहीं डालना है, मतलब एक प्लान में नहीं होना चाहिए, तो अलग अलग प्लान के लिए अलग अलग करेंगे बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल, तो उसमें वेरिएशन दिखेगा, नहीं तो एक से वेरिएशन नहीं दिखेगा, और उसमें ज्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा। 6 प्लान 6 टॉपिक ले लीजिए, सरल सरल टॉपिक लीजिए, सरल सरल टॉपिक लीजिए, और उस पर में जो है आधारित अपना प्लान बनाइए, क्योंकि कल ऑलरेडी छुट्टी है, तो इसीलिए मैं यूं समझ लीजिए कि मैं सब लोगों को होमवर्क भी दे रहा हूँ। जो प्लान हो चुका है, जैसे आज ब्लैक बोर्ड स्किल हो जाएगा, और एक वागी सर का जो स्किल है वो भी आपका रीइन्फोर्समेंट स्किल है, वो भी आपका हो जाएगा। तो जो भी स्किल हो जा रहे हैं जिसपे आपको टीचिंग करनी है, तो कल फुल टाइम जो है आपका, आपको मौका मिल रहा है, कल आप लोग तैयारी कर लीजिए, थोड़ा सा बनाइए, और अपने मेथड वाले टीचर से बात करिए, उनको संपर्क कर लीजिए, उनसे सलाह मशवरा लेते रहिए, ठीक है? सर जैसे 5-6 टॉपिक हो चुका है तो हम लोग 5-6 टॉपिक पे अलग अलग स्केल को यूज करके लेसन प्लान बनाएंगे 6 मिनट का, फाइव हाँ, टू 6 to 7 मिनट्स। थैंक यू बस सर। बस 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 बस, ओके। एक है गुलनाज रंगमा, आपका गुलनाज सवाल पूछिए। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए। सर हमको कंफ्यूजन है कि मतलब जैसे कि लेसन प्लान बनाना है 6 मिनट का, तो और मेरा ऑनर्स था इंग्लिश सब्जेक्ट। हेलो सर, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। नहीं तो सर मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है तो जरूरी है सर कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट से ही बनाएं या और कोई सब्जेक्ट से बना सकते हैं? आप बीएड में हैं या डीएलएड में हैं? सर डीएलएड में। हाँ, आप दूसरे सब्जेक्ट से भी बना सकती हैं। हाँ ओके सर, तो मैथ्स या साइंस बना सकते हैं ना सर? एकदम, आप कोई भी सब्जेक्ट चुन लीजिए, कोई भी टॉपिक चुन लीजिए, आप बना सकती हैं। ओके सर, थैंक हाँ, डीएड में रहती तो आपको अपना मेथड का बनाना पड़ता, लेकिन आप डीएलएड में हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट से बनाइए। एक और हैं पार्टिसिपेंट, रील मी C3 करके जुड़े हुए हैं, पता नहीं नाम क्या है उनका, आप बताइए अपना क्वेश्चन पूछिए। REALME C3 कौन है भाई? नहीं है। चुन्नू जी आपका कोई सवाल था, आप जुड़े थे एक बार, लगता है हाथ उठाए थे। चुन्नू आपका कोई सवाल? हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, तुम बताइए। सर पूछ रहे हैं कि वही लेसन प्लान वाला के लिए 6 ही प्लान बनाएंगे सर? हाँ 6 प्लान जो आपको टीचिंग करनी है, माइक्रो टीचिंग का प्लान। यस सर। एकदम साधारण टॉपिक लीजिए, जिस पर साधारण से साधारण टॉपिक लीजिए, और उस पर तैयारी कर लीजिए, और जो स्किल के कंपोनेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स आप प्लान बनाइए, ठीक है? प्लान बनाइए पहले, उसके बाद अपने मेथड टीचर से सलाह लीजिए, उनसे बात करिए, उनको दिखाइए, और उनसे ओके करवा लीजिए कि हाँ आपका प्लान सही है, हम टीचिंग कर सकते यस सर। हैं, ठीक है? अभी से लग जाइए, क्योंकि कल फुल टाइम है, तो हम चाहते हैं कि कल आप लोग कम से कम 5ों स्किल पर में जो है आप लोग प्लान बना लें, और जो करेक्शन वगैरह होगा हम लोग को दे दिया जाएगा, तो हम लोग तुरंत उस पर फर्दर जो है हम लोग भी अपना फीडबैक दे पाएंगे, ठीक है? यस सर। अब हम यस लोग, सर। पकड़ते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आज के क्लासेज स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और
सौरभ सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज यूजिंग ब्लैक बोर्ड स्किल्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि हम लोग को ब्लैक बोर्ड को कैसे मेंटेन करना है। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा सौरभ सर ही बताएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक उनको पढ़िए समझिए। थैंक यू वेरी मच। आइए आपका स्वागत है सौरभ सर। हेलो सर, आई एम ऑडिबल? जी हाँ जी हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों का माइक्रो टीचिंग क्लास का फर्स्ट फेज चल रहा है और जैसा कि हमारे झा सर ने बताया है कि इस माइक्रो टीचिंग क्लास में हम लोग कई सारी स्किल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एक अध्यापक के अध्यापन कार्य में विभिन्न प्रकार की स्किल्स का प्रयोग करता है और अपने अध्यापन कार्य को किस तरह से वो प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। हम सब जानते हैं कि शिक्षण एक प्रकार की कला है और शिक्षक एक कलाकार के रूप में कक्षा में आता है और वह अपना अध्यापन कार्य करता है। इस माइक्रो टीचिंग के फर्स्ट फेज में जैसा कि मोहित सर द्वारा पहले दिन विभिन्न प्रकार के कौशलों के बारे में और बताया गया था और उन्होंने माइक्रो टीचिंग की इम्पोर्टेंस भी बताई थी कि माइक्रो टीचिंग क्लास की क्या इम्पोर्टेंस है। और इसी क्रम में हमारे सभी जो अन्य अध्यापक थे उन्होंने भी आपको एक एक करके जो स्किल्स हैं उसके बारे में निरंतर एक एक करके बताते जा रहे हैं कि हर एक स्किल्स कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। कि कक्षा में हम लोग देखते हैं कि क्लास बहुत साधारण रूप से चल रहा है लेकिन अध्यापक विभिन्न प्रकार की स्किल्स का अपनी कक्षा में अपने अध्यापन कार्य में प्रयोग करता रहता है निरंतर और अपनी कक्षा को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। हम सब जानते हैं शिक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ये सभी होते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अंतःक्रिया होती है और इसमें अपनी जो कक्षागत जो होती है प्रयोग उनमें शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षा द्वारा लाभान्वित करने का प्रयास करता है और अधिक से अधिक ज्ञान देने का प्रयास करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो हमारा स्किल्स है वह श्यामपट्ट कौशल है। श्यामपट्ट कौशल की क्या महत्ता है, कितना इम्पोर्टेंस है श्यामपट्ट कौशल, आप सभी अपनी हर अवस्था में श्यामपट्ट किसे रूबरू जरूर हुए होंगे और आज इसी श्यामपट्ट कौशल पे मैं आपको प्रकाश डालूंगा। तो आइए हम लोग श्यामपट्ट कौशल के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग श्यामपट्ट के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसा
कोई भी विद्यालय नहीं होगा जहां पे हमने सैंपट नहीं पाया। प्रत्येक विद्यालय में सैंपट होता है और सैंपट जैसा कि आप उसके नाम से है सैंपट, यानी एक ऐसा पट जो काले रंग का है। कक्षा प्रत्येक कक्षा में सैंपट होता है और आपने जो हमारे वागीश दुबे सर ने बताया था कि एक शिक्षक को शिक्षण विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना पड़ता है, उसी में से एक शिक्षण सहायक सामग्री हमारी सैंपट भी होती है। जैसा कि आप जो देख पा रहे हैं कि सैंपट जो है एक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री होती है, इसको आप प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन कार्य में करता है। यदि हम बात करें कि सामान्यतः वैसे तो हम देखते हैं कक्षा में विभिन्न प्रकार के सैंपट का आकार होता है, लेकिन सामान्यतः यह 48 इंच लंबा और 36 इंच चौड़ा एक निश्चित कम से कम इतना इसका आकार होना चाहिए। यदि हम बात करें अध्यापक प्राइमरी सेक्शन में विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाते हैं, इसके बाद हम लोग माध्यमिक में जाएं तो वहाँ विषय डिवाइडेशन हो जाते हैं, तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है जहाँ पर सैंपट का प्रयोग नहीं किया जाए। हम किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए, अध्यापक किसी भी विषय को यदि पढ़ाना चाहेगा, उसको सैंपट की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सैंपट बहुत महत्वपूर्ण है। सैंपट के द्वारा हम गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, भूगोल, कोई भी विषय है, हम सभी विषय के लिए निश्चित तौर पे सैंपट का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे जानते हैं यूटिलिटी ऑफ ब्लैक बोर्ड, यानी सैंपट की क्या उपयोगिता है। सैंपट की उपयोगिता बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने सैंपट विभिन्न प्रकार के देखे हैं, जैसे कक्षा में एक सैंपट देखा होगा जो दीवार पे लगा रहता है, इसके बाद एक सैंपट आपने ऐसा देखा जिसका प्रयोग हम लोग बीएड अपने प्रशिक्षण में प्रयोग करते हैं, जो एक लपेटक के रूप में होता है। इसके बाद कुछ सैंपट इस प्रकार से होते हैं जो मूवेबल होते हैं, यानी स्टैंड बोर्ड पे उस सैंपट को रख दिया जाता है और इस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं। यदि हम सैंपट की उपयोगिता की बात करें तो सैंपट एक बहुत ही सस्ता उपकरण है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, यह सैंपट बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, जो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि सैंपट आजकल जैसे हम देख पा रहे हैं कि आधुनिक समय चल रहा है और हम लोग पीपीटी या किसी अन्य माध्यम से पढ़ाते हैं, और इन माध्यम से पढ़ाने के लिए हमें निश्चित तौर पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सैंपट में हमें किसी भी प्रकार की विद्युत की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, सैंपट प्रयोग करने से छात्रों का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित रहता है। हम देखते हैं निश्चित तौर पे जब कोई शिक्षक अपनी कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को सैंपट पे लिखता रहता है, और जितने भी छात्र छात्राएं कक्षा में उपस्थित होते हैं उनका ध्यान सैंपट की ओर आ जाता है, यानी निश्चित तौर पे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सैंपट पे लिख रहे हैं अध्यापक, और सभी छात्र छात्राएं उनको अपनी कॉपी पे लिखते रहते हैं, और कुछ विशेष प्रकार के चित्र या डायग्राम भी बनाते हैं जिससे छात्र का विषय वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित हो जाता है। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं कि सैंपट पे लिखी बात को छात्र अपनी कॉपी पर शुद्धता के साथ लिख लेते हैं। कभी कभी कुछ छात्र बहुत पिछड़े होते हैं, जिनकी वर्तनी में बहुत सारी कमियां होती हैं, वह शुद्ध नहीं लिखा में
कठिन शब्दों को या प्रश्नोत्तर को श्यामपट पे लिखते हैं और वो छात्र अपनी कॉपी पे उसको लिख लेते हैं। क्योंकि छात्र को श्यामपट पे लिखते समय, आगे मैं बताऊंगा, शुद्धता का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। यदि हम अगली उपयोगिता की बात करें श्यामपट के, तो श्यामपट पर अंकित बातों को समयानुसार मिटाया जा सकता है। जैसे हम किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, यदि उस टॉपिक के किसी हम दूसरे भाग को पढ़ाना चाहते हैं, एक भाग को पढ़ा लिया है तो हम दूसरे भाग को पढ़ाना चाहते हैं, जैसे गणित विषय में हम विभिन्न प्रकार के सवालों को लगाते हैं, तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक सवाल हो चुका तो उसको हम साफ कर सकते हैं श्यामपट से। या हम विज्ञान विषय में लें, हम किसी भी तरह के रसायन विज्ञान के या जीव विज्ञान के किसी भी विषय में, यदि वो कार्य हो चुका है, वो पढ़ाया जा चुका है, हमें अगले भाग को बताना है विद्यार्थियों को, तो हम उसको श्यामपट को साफ कर देते हैं और अगले भाग को हम श्यामपट पे लिखकर प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से श्यामपट की उपयोगिता यह है कि श्यामपट बहुत उपयोगी है कक्षा की किसी विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में। मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि किसी भी विषय को हमें पढ़ाना है तो श्यामपट निश्चित तौर पर अध्यापक के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। अब हम बात करते हैं गुड ब्लैक बोर्ड राइटिंग की, जैसे उत्तम श्यामपट लेखन। श्यामपट में कि किस प्रकार से लेखन महत्वपूर्ण होता है और क्या महत्ता है, हम सभी जानते हैं कि सभी विद्यार्थियों की या किसी की भी जो लेख होता है सुंदर नहीं होता है, लेकिन श्यामपट पे लिखते समय हमें लेखन का विशेष तौर पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि श्यामपट पे हम लिख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि हम श्यामपट पे लिख रहे हैं तो वह लिखा हुआ स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इसको फिर से समझिए, स्वच्छ, सुंदर, स्पष्ट। लिखते समय श्यामपट पे जो चीज आवश्यक नहीं है उसको भी हम हटा देते हैं और कुछ अन्य बातें हैं लिखी गई हैं उसमें कुछ विशेष बताए गए हैं उसको भी हम उसको साफ कर देते हैं। और सुंदरता का विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम लिख रहे हैं वो सुलेख से हो और स्पष्टता बहुत आवश्यक है। स्पष्ट यदि नहीं लिखेंगे तो कक्षा, जैसे कि हमारी जो कक्षा है वो बहुत उसमें विघ्न पड़ सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकती है, विद्यार्थी बार बार कहेंगे सर क्या लिखा है ये, मैम आपने क्या लिखा है, मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह की समस्या आपको आएगी। तो इसलिए क्लास में लिखते समय हमें जो भी लिख रहे हैं वो स्वच्छ लिखें, सुंदर लिखें और स्पष्ट लिखें। इसके बाद यदि हम बात करें, लिखते समय अध्यापक बोलते रहना चाहिए। अब बोलते रहना चाहिए क्या कि कुछ भी बोलते रहना चाहिए, जी नहीं, आप जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं उसको आप लिखिए। यदि आपने लिखा है कि भारतवर्ष 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ था, तो ये आप बोल बोल के लिखते रहिए। इससे क्या होता है, विद्यार्थी सुन भी रहा है और ब्लैक बोर्ड पे उसका ध्यान है, वो देखते भी जा रहा है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, वैसे तो जो श्यामपट है एक दृश्य उपकरण है, लेकिन यदि यहाँ पे हम बात करें पे जो भी लिख रहे हैं तो उसको बोलते रहें, जो भी हम लिख रहे हैं। इसके बाद हम जानते हैं श्यामपट लेखन में क्या ध्यान रखना है। हम लोग देखते हैं प्रायः कि कभी भी हम श्यामपट पे कुछ लिखते हैं या किसी प्रकार की हमारी गलती हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः अपने हाथ का प्रयोग करते हैं। हाथ का प्रयोग करने से कहीं कोई चीज हमें उसको क्लियर करनी है या साफ करनी है तो हम लोग उसको हाथ से साफ करते हैं, हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सभी प्रशिक्षकों से ये कहना चाहूंगा कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें,
क्योंकि हम यदि झाड़न का प्रयोग करते हैं, जिसको हम टेस्टर बोलते हैं, यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो जो भी गलत हुआ है, अशुद्ध लिखा गया है, वह स्पष्ट रूप से साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। लेकिन यदि हम हाथ से साफ करते हैं तो पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता है। कभी कभी हम लोग आलस्य भी करते हैं, डस्टर का प्रयोग नहीं करते। इससे क्या होता है कि जो चौक है, क्योंकि हम मैं आगे भी बताऊंगा कि हम इसका जो चौक है वो हमारे हाथों में भी लग जाती है, उसकी जो डस्ट है वो भी हमारे संपर्क में आने का थोड़ा सा रहता है कि हमारे संपर्क में आ सकती है। इसलिए झाड़न का प्रयोग हमें, डस्टर का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब हम जानते हैं सांपटकार की सावधानी कि सांपटकार करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सांपटकार बहुत आसान है। सभी प्रशिक्षु कुछ ऐसे होंगे, सोचते होंगे कि सांपटकार क्या है, केवल हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखना ही तो है और क्या करना उसमें। जी नहीं, सांपटकार करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कई प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जो विद्यार्थी है, मैंने आपको बताया था, जो बालिका है या किशोरा किसी भी अवस्था का विद्यार्थी, निश्चित तौर पे जो विद्यार्थी हमारे शैशवावस्था में है या आपके जो बाल्यावस्था के, उनका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे रहता है और जो भी अध्यापक या अध्यापिका उनको लिखते हैं वो अपनी कॉपी पे उसी को ही लिखेंगे। यानी आप यदि अशुद्ध लिखेंगे तो वही चीज वो अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसलिए सांपट पे कभी भी अशुद्ध नहीं लिखना चाहिए, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको घर से पहले तैयारी करना है, उस तैयारी के बाद जाके कक्षा में उसको लिखना है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अशुद्ध नहीं लिखना है, क्योंकि अध्यापक जो भी लिखता है सांपट पे, विद्यार्थी वही हमेशा याद करता है, उसी को ही हमेशा अपने मस्तिष्क पटल पे रखता है, उसी को ही ध्यान में रखता है। जो अगला पॉइंट है वो मैंने आपको बता चुका हूँ, एक लेखन में क्या उत्तम होना चाहिए। इसी प्रकार से इसमें भी है कि सांपट मिटाने के लिए हमेशा झाड़न का प्रयोग करना चाहिए। मैं बताते तो जा रहा हूँ कि झाड़न का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम आपके बीच में ही कई सारे प्रशिक्षु ऐसे होंगे वो हमेशा कभी भी कुछ गलत हुआ तो हाथ का प्रयोग करते हैं, अपने झाड़न का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद यदि हम बात करते हैं संकेतक का प्रयोग करना चाहिए, यानी पॉइंटर का प्रयोग करना चाहिए। जब कभी हम किसी डायग्राम को समझाते हैं या किसी महत्वपूर्ण बिंदु पे हम उस पर जोर करके या बहुत इम्पोर्टेंस उसका देते हैं, या आप मान के चलिए बायोलॉजी का कोई विद्यार्थी कोई अध्यापक है, वह एक डायग्राम उन्होंने बनाया हुआ है और वह उस डायग्राम में जो पार्ट्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के भाग हैं या किसी भी तरह का जो भी डायग्राम बनाया है उसको वो बताना चाहते हैं, तो वहाँ पे पीछे के विद्यार्थी जो बैठे हैं उनको दिखाने के लिए स्पष्ट रूप से वह संकेतक का प्रयोग कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा भी रहता है, संकेतक के द्वारा अध्यापक जो होता है ब्लैक बोर्ड से उचित दूरी बना लेता है और जो पीछे के विद्यार्थी हैं, जो अगल बगल के विद्यार्थी हैं, उनको भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। इसके बाद इन्हें बात करते हैं सैंपट पर लिखी बातों को बोलना और बताना चाहिए, बोलकर भी बताना चाहिए, ये भी एक सावधानी है। मैं भी पहले ही बताया हूँ कि ये उत्तम लेखन में भी है जो सैंपट करके और सावधानियों में भी है। मैं इन बातों को बार बार जोर दे रहा हूँ कि आप सबको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी सैंपट कार कर रहे हैं तो सैंपट कौशल नाम ही इसका है कि स्किल्स, अपनी स्किल्स को उसमें आपको बहुत बहुत कौशल अपना मजबूत करता है, उसमें निपुण होना है। यदि सांपट कौशल में बहुत निपुण होना है तो इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखना जरूरी है, जिससे आपका सांपट कौशल अच्छा होगा। हम देखते हैं किसी अध्यापक का व्याख्यान कौशल अच्छा होता है, किसी अध्यापक का क्या कहते हैं पृष्ठ पोषण या किसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन है, ये सब कौशल है, सबके अलग अलग तरह से उसमें वो निपुण होते हैं। लेकिन सांपट कौशल में यदि आप निपुण होंगे तो विद्यार्थी पे बहुत अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। यदि हम बात करें, यदि हम अंतिम बिंदु की बात करें, शिक्षक को समुचित मात्रा में चौक रखनी चाहिए। अब कक्षा में यदि जब भी उनको जानकारी है कि आज हमें कक्षा में हमें सांपट का प्रयोग करना है, सभी विद्यार्थियों को हमारी शिक्षण सहायक सामग्री सांपट का प्रयोग करना है,
तो उसका प्रयोग करते समय हमें सभी जो हमारी उसकी सहायक सामग्रियां हैं, पॉइंटर है, चौक है, डस्टर है, ये सभी हमें रख लेनी चाहिए। अब पता चला आपको काफी कुछ बताना है बच्चों को और वहां पे केवल एक या दो चौक रखी हुई थी, सिर्फ एक दो चौक रखी थी, अब चौक के लिए हमने फिर विद्यार्थी को भेज रहे हैं या स्वयं के लिए जाना पड़ रहा है, तो क्लास में व्यवधान पड़ता है। क्लास में आपकी अब अंत में हम श्यामपट्ट के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कई सारी बातें, सावधानियों में भी बताया उन बातों को और जो लेखन में था उनको बताया, यही उसके कंपोनेंट भी हैं। कंपोनेंट्स में हम इन सभी जो बिंदु हैं, जब भी आपका जो माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग में इन बिंदुओं पर कक्षा हो रही होती है तो आप टीचिंग कर रहे होते, तो हम सब इन बातों पे आप जब टीचिंग करते तो हम उस पर ध्यान रखते और आपको बताते भी। जैसा कि सबसे पहले आप घटक की बात करें, सबसे पहला घटक हम जानते हैं सबसे बड़ा जैसे पूरा वाक्य होता है, शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, तो सबसे पहले हम अक्षर की बात करते हैं। जो सबसे पहला कंपोनेंट है ये बात कर रहे हैं यहाँ पे अक्षर स्पष्ट थे, कि जो भी लिखा गया है, जो भी प्रशिक्षु के द्वारा जो लिखा गया था या जो अध्यापक के द्वारा लिखा जा रहा है वह अक्षर बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कुछ जो अध्यापक होते हैं, जो प्रशिक्षु होते हैं, उनके अक्षर स्पष्ट नहीं होते हैं, वो इतने मिला के लिख देते हैं कि वो स्पष्ट नहीं हो पाते हैं और विद्यार्थी बार बार कक्षा में पूछते हैं सर आपने क्या लिखा था, चाहे वो हिंदी के हैं या वो अंग्रेजी के हैं या संस्कृत के, किसी भी विषय में, किसी भी भाषा में हम जब भी लिख रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा लिखे गए अक्षर हमेशा स्पष्ट होने चाहिए। अगला जो हमारा घटक है, ये घटक है दो अक्षरों के बीच समुचित स्थान था, कि जो भी लिखा गया था क्या उन दो, अभी मैंने शब्दों के बात नहीं की है, मैं सिर्फ अक्षर की बात कर रहा हूँ, सबसे छोटी इकाई जब है तो अक्षर है, अक्षरों के बीच में ये दो अक्षर लिखे गए हैं उनके बीच में क्या संपूर्ण स्थान था, पर्याप्त स्थान था, कि बिल्कुल इस तरह से लिख दिए गए कि वो एक दूसरे से अपने आप बिल्कुल चिपक गए हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं, जी नहीं, इस तरह का नहीं लिखना चाहिए। इसी प्रकार से अगला जो घटक है इसमें बताया जा रहा है कि दो शब्दों के बीच में समुचित स्थान था, कि जो भी हम शब्द लिखे हैं उन शब्दों के बीच में भी जिस प्रकार से अक्षरों के बीच में पर्याप्त और समुचित स्थान होना चाहिए, उसी प्रकार से दो शब्दों के बीच में भी समुचित स्थान होना चाहिए, जिससे हमारा शिक्षण कार्य बहुत अच्छा होगा और जो भी विद्यार्थी हैं उनको स्पष्ट रूप से दिख पाएगा जो हम बात कर रहे थे, स्पष्टता की जो बात कर रहे थे, ये वही स्पष्टता इसी से आएगी कि जब भी हम लिखते हैं तो अक्षरों के बीच में समुचित स्थान होना चाहिए, इसके बाद आपके जो शब्द हैं उनके बीच में भी समुचित स्थान होना चाहिए। यदि हम अगले कंपोनेंट की बात करते हैं, अगला कंपोनेंट है अक्षरों का आकार कक्षा के अंत में बैठे छात्रों के लिए भी ठीक था। कक्षा में कई सारे विद्यार्थी बैठते हैं तो काफी लंबी क्लास हो जाती है, विद्यार्थी बहुत पीछे भी बैठे रहते हैं, काफी विद्यार्थी बैठे रहते हैं, उनको देखने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि हम किसी भी अपने कक्षा के किसी भी कॉर्नर से, किसी भी कोने से देख रहे हैं, दाएं से या बाएं से, किसी भी कॉर्नर से हम देखना चाहते हैं, जो भी श्यामपट्ट है वो सभी को स्पष्ट दिखना चाहिए, नहीं तो आप एक कक्षा में हमेशा व्यवधान पड़ेगा, हमेशा पीछे के विद्यार्थी बार बार आपको डिस्टर्ब करेंगे, पूरी कक्षा आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक अच्छी कक्षा के लिए, आपको प्रभावशाली कक्षा के लिए, आपको श्यामपट्ट पे जब भी लिख रहे हैं तो पीछे बैठे, यहाँ तो मैंने लिखा अंत में बैठे छात्रों के लिए जो भी लिखा गया है वह आकार भी अच्छे होने चाहिए और उसकी जो भी लिखावट है वह स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा, चाहे विद्यार्थी दाएं बैठे हैं,
बाएं बैठे, हमें ये नहीं करना है कि सामने के जो विद्यार्थी हैं केवल उनको ही स्पष्ट दिखे। हमें अक्षरों का आकार इस प्रकार से बनाना है कि जो विद्यार्थी बैठे हैं पूरी कक्षा में सभी को स्पष्ट रूप से दिखे। इसके बाद बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, अगले घटक की। तो इसमें बताया जा रहा है अक्षरों की मोटाई व चौड़ाई समान थी। हम ऐसा ना करें कुछ अक्षर इस प्रकार से लिखते हैं कि बहुत मोटे बना दिए उनको, बहुत अच्छे से हमें आ बनाना आता है तो हमने बहुत अच्छे से आ बनाया, लेकिन हमको किसी तरह का कोई भी अक्षर हम लिख रहे हैं, मैं अक्षर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि हम एक एक अक्षर पे ध्यान देना चाहिए, हमें एक एक अल्फाबेट पे भी, यहाँ अक्षर आ रहा है, मैं अल्फाबेट की भी बात करना चाहूंगा कि हम अल्फाबेट में ए अच्छा बना दिया तो हम जहाँ देख रहे हैं डी है या एफ है उसको स्पष्ट नहीं बनाया, तो विद्यार्थी पीछे से कहेगा कि सर ये एल है ई, आपने उसको स्पष्ट नहीं लिखा है, एल और ई के आकार में क्या अंतर है ये आपको होना चाहिए, आई है कि ई है, आप जब भी लिख रहे हैं ई और आई तो वहां पे बिंदी होती है, आपने जल्दबाजी में नहीं लिखा तो वो स्पेलिंग भी गलत हो जाएगी, तो इसलिए विद्यार्थी वही लिख लेगा। तो हमको अल्फाबेट लिखते समय भी और आपको अक्षर लिखते समय भी ये ध्यान रखना है कि जो भी उसकी लंबाई सॉरी जो उसकी मोटाई है जो उसकी चौड़ाई है उसका भी निश्चित तौर पर ध्यान रखें, वो एक समान रहे, ऐसा ना हो कुछ बहुत मोटे हो जाए और कुछ बहुत आपके बहुत चौड़े हो, वो जब भी उस पर ब्लैक बोर्ड पे जब भी हम सैंपल पे देखेंगे तो वो बहुत भद्दा दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा, कहीं कुछ चौड़े कुछ कहीं आपके क्या कहते मोटे, इस तरह से बहुत असमानता नजर आएगी हमें ब्लैक बोर्ड पे, तो हमें इसका ध्यान रखना है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। हम कुछ घटकों की और बात करते हैं सॉरी यदि हम अगले घटक की बात करें, अभी तक हम बात कर रहे थे अक्षरों की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं शब्द की, कि शब्द और वाक्य सीधी रेखा में लिखे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आप जितने भी प्रशिक्षु हैं यदि आप ज्यादा से ज्यादा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे बीच में कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, कई सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो अभी भी सीधी रेखा में नहीं लिख पाते होंगे, हमें बिल्कुल भी नहीं शर्माना। मैं यहाँ पे खुद की भी बात रखना चाहूंगा कि मैं भी जब लिखता था तो वो कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं होता है, बिल्कुल होता है। हम किसी भी प्रशिक्षण में जाते हैं तो कमियां रहती हैं और उन्हीं को हमें यहाँ पे उन्हीं कौशलों में हमें निपुण होना है, हमें अपने अध्यापकों से सहायता लेनी है और हमें अध्यापकों की सहायता के साथ साथ हमें खुद की भी प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप कक्षा में हैं तो हम जाएंगे और सैंपल का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। आप जब भी पीओटी जाते हैं वहाँ पे हो सकता है कुछ विद्यार्थियों का ऊपर जा रहा होगा, कुछ का नीचे आ रहा होगा, ये होता है, लेकिन उससे हमें हेजिटेशन नहीं करना है, हमें लिखना है सैंपल पे और निश्चित तौर पे प्रयास करते करते हम लोग एक दिन सीधी रेखा में लिखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे लेकिन एक प्रभावशाली कक्षा में हमको इसका ध्यान रखना है कि जो भी हम लिख रहे हैं हम कक्षा जो भी हम लिख रहे हैं उन शब्दों और वाक्यों में क्या होना चाहिए, सभी एक सीधी रेखा में लिखे गए हों, तो उससे एक क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे हमने लेखन में क्या बात की थी, उत्तम लेखन में, उत्तम लेखन में बात की थी सुंदर होता है, तो जिससे यदि हम सीधी रेखा में लिखेंगे तो बहुत सुंदर लगता है कि एक सीधी रेखा में जा रहा, जो दो वर्ड आ रहे थे आपके, एक आ रहा था स्पष्टता और एक आ रहा था सुंदर, तो ये दो शब्द आ रहे थे सुंदर और स्पष्ट, तो हमें सीधी रेखा में रखना चाहिए। अब कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब हमारे एक प्रश्न हो गया हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं, अगला जो कंपोनेंट है कि दो पंक्तियों के बीच में समान अंतर, ऐसा नहीं हो कि जब भी हम तीन चार वाक्यों को एक साथ लिख लिया है तीन चार वाक्य, अब उनके बीच में एक वाक्य जो है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी वाक्य लिख लिया है जो भी पंक्ति है एक के बाद जब अगली पंक्ति में आ गए हैं या तीसरी पंक्ति में, उनमें भी जो भी अंतर कि एक में बहुत ज्यादा गैप हो गया है, एक में बहुत कम हो गया है, फिर ज्यादा बहुत असमानता नजर आती है, वो भी बहुत सुंदर नहीं लगता है, उसमें भी थोड़ा सा कहते हैं सुंदरता आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है। और बच्चों को यदि आप अपने श्यामपट कार
जो भी कौशल है बहुत अच्छे से दिखाएंगे, बच्चे भी बहुत आप उससे निश्चित तौर से प्रभावित होते हैं और उसमें उनका ध्यान जो है श्याम पर की ओर केंद्रित बहुत अच्छे से होता है। अगली बात है अनावश्यक चीजों को मिटाया जाए। कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं कि कभी हमने लिख दिया कि कुछ बिंदु बता रहे थे, यदि उसकी आवश्यकता नहीं है, अब हमें कुछ और बातें बतानी है किसी अपने किसी और विषय वस्तु के बारे में या हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हमें विद्यार्थियों को बताना है, तो जो बातें जो अब किसी उसको हम कर चुके हैं तो उसको हम यदि हम बच्चों को नहीं बताना चाह रहे तो हमें उसको क्या कर देना चाहिए, उसको झाड़न के द्वारा डस्टर के द्वारा हमें उसको मिटा देना चाहिए और बच्चों से एक बार बच्चों से पूछ भी लेना चाहिए कि आपने इसको राइट डाउन कर लिया है, बच्चे राइट डाउन कर लेते हैं उसके बाद उसको हमको क्या कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए श्याम पट से। श्याम पट पर लिखते समय कभी कभी इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि श्याम पट क्योंकि एक मैंने आपको आकार बता रखा था इसका आकार कितना होता है 48 इंच और 36 इंच चौड़ा जो बताया था इसे, तो ज्यादा बड़ा तो नहीं होता है, तो हमें श्यामपट का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना है कि वाक्य संक्षिप्त और सुस्पष्ट हो, स्पष्ट नहीं सुस्पष्ट। जब सु लग गया है तो आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है कि स्पष्टता जो क्लियरिटी है उसकी वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और वाक्य भी संक्षिप्त रूप से हमें बच्चों को बताना है। लेकिन कभी कभी कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिनमें हमको विस्तार रूप से भी बताना पड़ता है, लेकिन उसके भी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमको बता के बच्चों को टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं उनमें हमें बच्चों को बहुत अधिक बताना पड़ता है, लेकिन जब हम कभी कभी देखते हैं जब भी हम PPT बनाते हैं तो उसमें भी हम प्रयास करते हैं कि वाक्य जो भी सेंटेंस हैं उसमें संक्षिप्तता रखते हैं। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, श्याम पट का हम जब भी प्रयोग कर रहे हैं तो जो भी हम वाक्य लिख रहे हैं उस वाक्य को हमको संक्षिप्त लिखना है और क्या करना है कि बच्चे को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। हम वाक्य को संक्षिप्त लिख दिया हमने वहाँ पे और हम क्या करें कि वहाँ पे हम बच्चे को व्याख्यान करके समझा दें उस चीज को बता सकते हैं, बच्चे को क्या होगा समझ में आ जाएगा। जो अगले कुछ बिंदु हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर दिख रहा है माइक माइक पर्सन अनम्यूट हो गए हैं नहीं म्यूट है ठीक। यदि हम बात करें क्योंकि हमें क्या करना है कि विद्यार्थियों का हमारी कक्षा में केंद्रित है, कभी बात जो विद्यार्थी होते हैं इधर उधर बातचीत करने लगते हैं और व्यवधान कक्षा में पड़ता है, तो हम क्या करें जब भी अपने विषय को बता रहे हैं अपने जिस भी टॉपिक को बता रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ाते समय हम बच्चे कभी कभी कुछ उस टॉपिक में महत्वपूर्ण बिंदु भी होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत महत्ता होती है उनकी, तो उनको हम श्याम पट पे लिखते जाना चाहिए। इसके बाद बात करें कि शब्दों को रेखांकित किया जाए। हमें वाक्य में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे मान के चलिए हमने लिखा है रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे। अब हमें हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो संज्ञा में हमने क्या लिख दिया कि हमें कुछ अंडरलाइन करनी थी तो हमने उसमें राम को कर दिया, अयोध्या को कर दिया, इस तरह से हम उसमें अंडरलाइन कर दिए। ये कोई भी विषय वस्तु हम बता रहे हैं, अलग अलग टॉपिक में हम बता रहे हैं, केमिस्ट्री में किसी तरह का बता रहे हैं या मान के चलिए हम बायोलॉजी में कुछ बता रहे हैं, अंग्रेजी में कुछ ऐसी टॉपिक कुछ बिंदु आ गया है कि उसको वो बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको हम अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन करने से बच्चा ये जानता है कि ये इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको हमें याद करना है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हों और जो भी शब्द इंपॉर्टेंस हो उनको हम अंडरलाइन कर दें, रेखांकित कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है,
उन डायग्राम को बनाने के लिए हम कलरफुल चौक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कलरफुल चौक का हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे सुंदरता दिखेगी और बच्चे भी क्या होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं उस पर रुचि लेते हैं। आपने मान के चलिए श्याम पट पे किसी पौधे का डायग्राम बनाया, उस पौधे को आपको बताना था कि इस पौधे में आज आप बताने वाले हैं क्लोरोफिल के, आप क्या कहते हैं क्लोरोफिल के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। उसमें आप बताना चाहेंगे कि एक पत्ती में क्लोरोफिल होता है, इस तरह से आप यदि बताना चाहते हैं तो आप ग्रीन चौक का प्रयोग करें। हाँ, आज अभी सूर्य के प्रकाश या कुछ और बताना चाहते हैं, सूर्य को एक येलो कलर के बनाना चाहते हैं, इस तरह से विभिन्न प्रकार के चौकों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कक्षा में एक रुचि लाने के लिए, विद्यार्थियों के बीच में रुचि लाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कलरफुल चौक का भी प्रयोग करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के, जब भी हम मान के चलिए बायोलॉजी में आप किसी मानव डायग्राम को बनाया है, किसी अंग को बनाया है, आप उनको अलग अलग रंग के द्वारा दिखा सकते हैं। आप अंग्रेजी में हो सकता है कुछ ऐसे बिंदु हों, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, कलर चौक के द्वारा दिखा सकते हैं। उससे बहुत सुंदरता आती है और बच्चे भी बहुत अट्रैक्ट होके चांपट की ओर देखते हैं और उसको समझने का प्रयास अधिक से अधिक करते हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम कंपोनेंट की, जो हमारा लास्ट घटक है, रेखा चित्र आदि बनाए गए हैं। कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर डायग्राम, मैप या किसी प्रकार का जो भी रेखा चित्र है उसकी आवश्यकता पड़ती है। हम बात करें यदि गणित में, हम मान के चलिए हम बता रहे हैं यदि संरचना को हमको समझाना है, बताना है, तो वहां पे निश्चित तौर पे हमें रेखा चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम यहाँ बात करते हैं, कोई साइंस का विद्यार्थी टॉपिक पढ़ा रहा है कि किडनी के बारे में बता रहा है, तो वहां कहते हैं कि जो किडनी का आकार होता है सेम का आकार का होता है, तो वहां पे एक संरचना वो बना दें तो बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रेखा चित्र की भी बहुत अधिक महत्ता होती है और वह बच्चे के लाभान्वित होने के लिए बहुत अच्छा उपयोगी रहती है, जिससे वो अधिक से अधिक बहुत अच्छे से समझ पाता है। इस प्रकार से हम चाहे अन्य विषय में भी देख रहे हैं, हम भूगोल में देखते हैं, भूगोल में विषय में मैप की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। मैप के द्वारा हम जो भी हमें बताना है कि इस राज्य में ये खाद्यान्न मिलता है या ये खनिज, किसी प्रकार का खनिज मिलता है, हमें कुछ भी बताने हैं उसको, तो उसको हम रेखा चित्र के माध्यम से एक मैप के द्वारा हम उसको विद्यार्थी को समझा सकते हैं। लेकिन रेखा चित्र क्या है, रेखा चित्र में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपको स्वयं भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप यदि जब भी ब्लैक बोर्ड पे बना रहे हैं, श्याम पट पे कुछ भी बना रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, सबसे पहले आपको अभ्यास की जरूरत है, तभी आप श्याम पट कौशल में सफल हो पाएंगे। श्याम पट कौशल अपने में बहुत अधिक महत्व रखता है और इसकी महत्ता आप सब समझ गए होंगे। केवल हम, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि केवल हम व्याख्यान कौशल है या उद्दीपन परिवर्तन है या प्रश्न, एक पूरी कक्षा में जो भी कक्षा संचालन, जो कक्षा का कार्य हो रहे हैं, शिक्षण कार्य जो भी चल रहा है, मैं आपको बताया भी था जो भी हमारा लर्निंग एंड टीचिंग में चल रहा था हमारा टॉपिक एक शिक्षण के लिए, तो उस शिक्षण प्रक्रिया में ये सब चलता रहता है। आप एक एक माइक्रो टीचिंग में विभिन्न प्रकार के जो कौशल के बारे में समझ रहे हैं कि आपको एक निपुण होने के लिए निश्चित तौर पे आप सभी को अभ्यास की निरंतर जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप देखिए कि आप कक्षा में आप देखते हैं, जब भी कक्षा हो चलती है तो किसी अध्यापक कहते हैं सर का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, सर ने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को पूछा, सर ने बहुत अच्छी तरह से क्लास मैनेजमेंट करते हैं, ये सब चीजें मिलके ही अध्यापन कार्य होता है और कक्षा बहुत सफल तरीके से हो सकती है।
यहाँ पे आज हम सभी जाने कि किस तरह से हमें ब्लैकबोर्ड स्किल्स पे हमें काम करना चाहिए और क्या क्या जो बिंदु होते हैं उनका हमें ध्यान रखना जरूरी होता है, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम कुछ बातों को इसको अभ्यास के द्वारा भी देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर मैं देखता हूँ, जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा कि श्रावण काल में हमें हमारे पास झाड़न यानी डस्टर होना और चौक, चौक तो आप जानते हैं एक खड़िया भी से हम लेते हैं और ये कैल्शियम कंपोनेंट जिसे हम CaCO3 बोला जाता है रासायनिक है। और कक्षा में जब भी एक अध्यापक प्रवेश करता है सबसे पहले कक्षा में जिस प्रकार से जैसे प्रवेश करता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है तो ध्यान देना पड़ता है जो भी ब्लैक बोर्ड है ये हमारे यहाँ विद्यालय में देख रहे हैं हम ये हम देखते हैं कि अब हमारे विद्यालय में कई प्रकार के बोर्ड आ गए हैं, ब्लैक बोर्ड की जगह ग्रीन बोर्ड आ चुके हैं, व्हाइट बोर्ड भी कुछ आ चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि ग्रीन बोर्ड है। और मैंने तीन प्रकार का जिस प्रकार से आपको बोर्ड बताए थे, एक लपेटक वाला बताया था, एक लपेटक वाला बताया था, एक स्टैंड बोर्ड बताया था, और एक अलग बताया था जो दीवार में हैंग रहता था, दीवार से लगा रहता है, इस प्रकार का बोर्ड। ये डीएस बोर्ड में सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है, जैसे ही आप क्लास में एंट्री करते हैं क्लास में एंट्री आपको दिनांक पे ध्यान देना है यानी डेट, कि सबसे पहले जो भी दिनांक पे आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं कक्षा अपना संचालन कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद कक्षा जिस कक्षा में आप पढ़ाने गए हैं उस कक्षा का यहाँ पे सबसे पहले कक्षा लिखी होती है, या मान लीजिए आप जो भी विषय है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद मिनट का होता है, कहीं पे 35 मिनट का होता है, अपने जो भी हमारी समय सारणी होती है मैं एक बार यहाँ पे आप सबको ये भी बताना चाहूंगा आप सबको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब भी आप डेस्कटॉप का प्रयोग कर रहे हैं और आप ब्लैकबोर्ड पे किसी भी चीज को स्पष्ट करना चाहते हैं, उसको साफ करना चाहते हैं, साफ करने की कोशिश करते हैं, बड़ा मुश्किल है, इस तरह से नहीं होती है। उसको साफ करने का तरीका यह है कि आप उसको इस तरह से डेस्कटॉप जो भी आगे इसमें लिखा हुआ है उसको मान के चलिए मेरा विषय यहाँ पे विज्ञान है, मेरा विषय यहाँ पे विज्ञान है और मुझे आज बच्चों को पेड़ पौधे के भागों के बारे में बता रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम इंटरेक्ट लिख लेते हैं, अब बच्चों से हम इंटरेक्ट करते हैं, बताते हैं और बच्चों से यह मान के चलिए हम आज बच्चों को बताना चाहते हैं जल के स्रोत के बारे में बताना चाहते हैं,
कोई भी टॉपिक आपका, या हिंदी में किसी प्रकार की कोई कविता है, पोयम है, या वर्षा है, कोई भी आप है, उस टॉपिक को यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मान के चलिए आज मेरा देखिए मैंने क्या किया, आपसे कहा क्या ये सही है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको बेस्ट करना चाहिए, हमें हाथ का प्रयोग नहीं करना है। जल आज जल या जल के स्रोत या जल के प्रकार, इसके बारे में आज हम सब आज मैं आप सबको जल के स्रोत और जल के बारे में बताऊंगा। अब यदि मैं इस जल को कितना छोटा लिखा हुआ है, पीछे वाले जो विद्यार्थी बैठे हुए उनको स्पष्ट नहीं दिख पाएगा, पीछे से तुरंत बच्चे विद्यार्थी कहने लगे सर हमें नहीं देखा है। तो अक्षरों में आप देख रहे थे, जो अक्षर थे उनमें भी समान समानता जो गैप होनी चाहिए थी वो नहीं, इसलिए हम जब भी लिखते हैं उसको लिखते समय अक्षरों में समान होना चाहिए। क्या अंतर अक्षरों में समान क्या है, यहाँ आपको दिखता है होना चाहिए, इस हिस्सा में ध्यान रखना। और मुझे जल बता रहा है इसलिए मैंने जल में, कभी कभी यार हम लोग कक्षा में पढ़ाते हैं तो हम लोग कई सारी चीजें ऐसे कहते हैं सर उस शब्द क्या लिखा आपने, हम लोग उसको यहाँ पे लिखे, आज के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप कहते हैं एक शब्द है मैंने यहाँ लिखा है अरस्तु। ठीक, एक विद्यार्थी पूछा था कि सर अरस्तु कैसे लिखते हैं, आप मैंने अरस्तु इस तरह से लिखा, क्या ये सही लिखा है, यदि आप यदि उसको देखेंगे कि U A R जो भी मात्राएं हैं उनको हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहां कौन सी मात्रा आती है, किस मात्रा का कहां प्रयोग करते हैं, इसका हमें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि हम जब भी लिखते हैं ब्लैकबोर्ड में कभी भी लिखते समय ब्लैकबोर्ड पर लिखते समय हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड थोड़ा सा स्पेस हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हमें बिल्कुल इधर से लगा के या इधर से लगा के किसी प्रकार से लिखना चाहिए, जैसे मान के लिए हम पढ़ा रहे हैं मैं घर जा रहा हूँ, आप देखिए ब्लैकबोर्ड पर जब भी आप लिख रहे हैं तो लिखते समय आपको एक बार पीछे भी नजर होनी चाहिए, पीछे नजर होने से क्या होता है कि आप बच्चे इस तरह का टेंशन रखते हैं कि अध्यापक का ध्यान क्या है, अध्यापक का ध्यान पीछे भी है, उनका ध्यान पीछे भी है, इस तरह का हमें बहुत जरूरी है कि हम लिखते समय, अब देखिए मैंने आपके कभी देखी थी मैं जब लिख रहा था तो मैं बोर्ड नहीं ला, तो ये कमी है यहाँ पर, मैं घर जा रहा हूँ इसको हमने यहाँ लिखते समय मैंने क्या किया, मैं बोला नहीं तो कमी, इस कमी को हमें ध्यान में रखना है, जब भी हम लिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, मैं बोलना।
चलिए हम आगे देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता रहा था कि जब भी हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं उनको रेखांकित करना बहुत जरूरी है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तो बच्चों 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। मैंने आपको चौक और डस्टर के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हमको पॉइंटर की जरूरत होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कुछ विद्यार्थी पीछे बैठे हुए हैं तो हम यहाँ पे बता सकते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इस तरह से भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं सैंपल को। इस चीज का भी हमें ध्यान देना है। केमिस्ट्री में कई प्रकार के हम लोग सूत्र भी लिखते हैं तो उन सूत्रों को लिखते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मान के चलिए हम लिख रहे हैं क्या अमोनिया टाइप पे है, अमोनिया टाइप पे है क्या अमोनिया, मोनी अवेलेबल है, मोनी लाइन पे है क्या, केमिस्ट्री का ये हाँ मोनी को मोनी मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर। मोनी यहाँ पे मैंने CaCO3 लिखा है। यस सर। क्या ये सही लिखा है सर? दिख नहीं रहा है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड बिल्कुल अच्छा। मोनी अब दिख रहा है आपको? यस सर सही है। CaCO3 सही लिखा है। ध्यान से देखिए। यस सर। कुछ कमी है इसमें? नो सर। CO में O छोटा होता है कि बड़ा होता है? यस सर। CO3 में जो O है बड़ा होता है छोटा होता है? सर कैपिटल। चलो मोनी अब दिख रहा है आपको? मोनी अब आपको दिख रहा है? बच्चों को दिख नहीं पा रहा सर।
मुनीप देखिए, हेलो केमिस्ट्री वाला कोई भी और में है वो बता सकते हैं कि सही लिखा है कि गलत लिखा है? म्यूट हो गई फिर। सर सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका वो छोटा होता कि बड़ा होता कि बताइए? सर सही है, एक बड़ा होगा, बिग होगा। चलिए ठीक। तो हम किसी भी प्रकार का कुछ लिख रहे हैं, उसको लिखते समय में ध्यान रखना है कि जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है क्या सही है कि गलत है, इसका ध्यान हमको होना चाहिए। अंग्रेजी के स्टूडेंट कौन है? म्यूट करना दिक्कत है थोड़ा सा, कैसे हो पाएगा? गुलनाज दगबा, हम उसी से बोल रहे थे। गोलाज, यस सर, यस। मैंने बोर्ड पे दो स्पेलिंग लिखा है। यस सर, वीडियो दिख नहीं रहा है लेकिन जनवरी और फरवरी का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। क्या क्या गलत लिखा है इसमें? ठीक से दिख ही नहीं रहा सर, जरा सा दिखा था। क्या बताइए? सर स्पेलिंग है JANUARY जनवरी का। ठीक, और फरवरी? FEBR सर फरवरी का ठीक है। ठीक, यानी हम स्पेलिंग गलत लिखेंगे। हम लोग कई सारे आपने इस तरह के वीडियो देखे होंगे जिसमें अध्यापक जो भी बोर्ड पे लिखे उसको बोलेंगे, जो उच्चारण होता है उसको बोलेंगे जनवरी ही, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखेंगे और वही विद्यार्थी क्या करते हैं उसी को कॉपी में लिख लेते हैं। तो हमको स्पेलिंग लिखते समय या किसी भी हिंदी की वर्तनी पे हमको मात्रा का और स्पेलिंग का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि हम साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए आज हम बता रहे हैं पेड़ पौधे की संरचना के बारे में बता रहे हैं, हम पेड़ पौधे की संरचना के बारे में बता रहे हैं, तो हम प्रयास करें
ये एक मैंने संरचना बनाई है रफली, आप सभी को संरचना दिख रही होगी, एक प्लांट की एक संरचना मैंने बना रखी समांतर से। यदि यही कलर चौक होता तो बहुत अच्छी संरचना आपको नजर आती। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं हम विज्ञान के यदि कुछ विषयों की बात करते हैं या जीव विज्ञान की कुछ विषयों की बात करते हैं, इसमें रेखा चित्र और डायग्राम की बहुत महत्ता होती है। और इनमें यदि हम डायग्राम बहुत और भी स्पष्ट रूप से हम बना सकते थे, लेकिन एक प्रयास करके इसको मैंने बनाने का प्रयास किया है। हम बताएंगे जिस तरह से हम बताना चाहेंगे कि जड़ के जो हमारा एक पौधा होता है, उस पौधे में विभिन्न भाग होते हैं। उसमें सबसे पहला जो भाग होता है, जो भूमिगत होता है, ये एक मान के चलिए सरफेस है जमीन भूमि का। और हम देख रहे हैं कि भूमि के अंदर का जो भाग है, जो अंदर रहता है जमीन के, इसको हम जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। और हम यदि इसके भूमि के कुछ बाहर जो अंदर होते हैं, और कुछ ऐसे भाग होते हैं जो भूमि के बाहर होते हैं। इसमें जो प्रथम यदि हम बात करते हैं, जो हम ग्रीन कलर की देखते हैं संरचना, वह जो होती है वो पत्ती की संरचना कहलाती है। अब देखिए मैं साथ साथ में इसको पॉइंटर के द्वारा इधर से खड़ा हो जाऊंगा, और आप देखिए जो पीछे के विद्यार्थी जितने बैठे हैं सबको उनको स्पष्ट रूप से दिखता भी रहेगा, और वो लोग डायग्राम को बनाते भी जाएंगे। और आप ये देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे संरचनाएं अलग तरह की बनी हुई है। ये संरचना आप देखते हैं कि कलरफुल हो सकता था, यहाँ पे ये पुष्प की संरचना होती है। इसके बाद यहाँ पे हम संरचना देख रहे हैं, ये फल की संरचना है। हम किसी प्रकार का हम जीव विज्ञान में या किसी भी में संरचना जरूर बनाए, जिससे क्या होता है जो विद्यार्थी है उनको जो भी टॉपिक है बहुत स्पष्ट रूप से उनको समझ में आ जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे एक बार पूछा कि आपने सबने इसको बना लिया है, इसके बनाने अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने इसको साफ कर दिया है यहाँ पे। अब हम मान के चलिए हम गणित का किसी भी टॉपिक को बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं त्रिभुज की संरचना कैसी होती है। अब विद्यार्थियों को यहाँ पे यदि रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पे इस संरचना को बना देंगे। त्रिभुज की संरचना तीन भुजाओं से घिरी हुई संरचना होती है। जैसा कि मैंने इसको पहले मुंह से बोला है कि त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई संरचना। यह मान के चलिए हम इसी त्रिभुज में हम 90 अंश के कोण को बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, या हम यहाँ पे न्यून कोण को बताना चाहते हैं तो इस तरह से बता सकते हैं कि न्यून कोण बिना संरचना के या रेखा चित्र के आप विषय के टॉपिक को बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक को यदि रेखा चित्र की आवश्यकता पड़ रही है कि मान के चलिए आपको बताना है आयत और वर्ग में अंतर बताना है कि आयत क्या होता है। आयत वो संरचना होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और जबकि वर्ग में क्या होता है, देखिए बच्चों को वर्ग और आपको आयत में अंतर संरचना बतानी है। इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड में संरचना बता के रेखा चित्र बना के बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा कौशल है, सैंपट कौशल है, एक अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हमें इसका प्रयोग बहुत अच्छे से सर कुछ दिख नहीं रहा है सर, बोर्ड में बोर्ड का कुछ दिख नहीं रहा है सर, तो झा सर का डीपी दिख रहा है, बोर्ड का कुछ नहीं दिख रहा है।
सर देखिए अब जीत रहे हैं आसिफ नो सर ये जब भी सौरभ सर कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका डीपी आ जाता है ये शायद आपका माइक यूज हो रहा है और सर का वीडियो यूज हो रहा है तो जब भी माइक जिसका यूज होता है तो उनका ही डीपी या वीडियो दिखता है तो मैं अभी बता नहीं कुछ नहीं दिखा सर जो भी अभी बताए कुछ नहीं दिखा ओहो सारा टाइम जा सर का डीपी दिख रहा था अच्छा अभी दिख रहा है अभी दिख रहा है हाँ देख रहा है अभी सर वही इसमें क्या होता है साउंड थोड़ा सा कम आता है चलिए कोई बात नहीं तो चलिए कोई बात नहीं तो नहीं करते ऐसे भी बता रहा था क्योंकि मैंने प्लान की संरचना बनाई थी प्लान की संरचना कहा जा रहा था कि किस तरह से हमें पेड़ पौधे जो पौधे हैं उसके विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं और उन भागों को यदि बताना है उस प्लान को जब बना रहे हैं प्लान को बनाते समय हम उसको नामांकित करें बहुत अच्छे से जिस तरह से हम बताएंगे कि जो एक प्लांट होता है प्लांट के जो भूमिगत भाग होते हैं उसको हम जड़ कहते हैं और जो उसकी संरचना में जो जमीन के बाहर का जो संरचना होती है जो एक हरी संरचना होती है उसमें तना भी होता है पत्ती भी होती है लेकिन जो हम देखिए एक संरचना बनी होती है उस प्रकार की संरचना को हम उसको अलग से भी बता सकते थे हम इस तरह से बता सकते हैं बना के पत्ती की संरचना किस प्रकार से होती है या उसकी उसी जो प्लांट में हमने बनाया था प्लांट को हमने किस तरह से बता देते हैं पेड़ के जो पौधे के जो मुख्य भाग होते हैं जड़ है तना है पत्ती है फूल है फल है पत्ती प्लांट का वो भाग होता है प्लांट का पत्ती वो भाग होता है जहाँ पे भोजन की बनने की क्रिया होती है जिसको हम बता सकते हैं इस प्रकार से हम बताते जाए और यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाए इसके साथ साथ हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एक गणित के विषय है यदि हम बता रहे हैं किसी भी संरचना को किसी भी सवाल को भी लगा रहे हैं तो हम चित्रों के माध्यम से कोई भी क्लास है कि त्रिभुज क्या कैसी संरचना है तीन भुजाओं से बनी हुई संरचना होती है तो हम त्रिभुज कहते हैं विद्यार्थियों को बताते हैं 90 अंश कोण किस तरह से बनता है न्यून कोण क्या होता है उसको इस तरह से बताएंगे मैं यहाँ पे बता रहा था वर्ग और आयत वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है एक समान होती है बच्चे को क्लियर हो जाएगा कि जो वर्ग है वर्ग की संरचना या हम कुछ इस तरह के डायग्राम लेके आते हैं क्लास में टीएलएम लेके उससे समझा देंगे मान के चलिए आपके पास टीएलएम उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर जो हमारे टीएलएम का उपयोग कर रहा है वो ब्लैक बोर्ड ही कर रहा है और इसको हम ब्लैक बोर्ड के चित्र को दिखा के यानी रेखा चित्र के माध्यम से हम यदि हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाए टीएलएम तो रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ पे हमने बता दिया हम हमें इसकी जरूरत नहीं है मैंने क्या कहा था कि जो अनावश्यक चीजें हैं उनको हम समाप्त उसको मिटा के देते हैं तो हम मान लीजिए हमें वर्ग और आयत बताना है क्या ये सही लिखा है क्या आसिफ मुझे सुन पा रहे हैं क्या आसिफ सर दिखता है आसिफ यस सर आसिफ ये सही लिखा है क्या आयात गलत लिखा है सर आयात गलत लिखा है ना यस सर डस्टर से सर ये डस्टर से डस्टर के हवाले से एक सवाल भी है सर मेरे माइंड में
इस प्रकार से विभिन्न कई सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसके द्वारा बताया है कि हमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको हमें अंडरलाइन करना है। हो सकता है आजकल चौक के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के डायग्राम को बना सकते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर हमें हम यहाँ पे एक एंटिटी की संरचना बनाई है, यहाँ पे इस संरचना को हम वहाँ पे बहुत प्रयास नहीं करते हैं कि हमें बनाना है उसे, इस संरचना को बना के जैसे मेरे का सेम के आधार की होगी इस प्रकार की संरचना बना सकते हैं। या बात भी करिए आप जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं एक कोर्स की या बहु कोर्स की कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मान लो चलिए आपका टॉपिक आज है एक कोर्स की जीव जंतु, एक कोर्स की जीव जंतु में हम जिस तरह से मान चलिए साइंस में एक कोर्स की एक जीव जंतु बच्चों, आज हम एक कोर्स की जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम अमीबा के बारे में संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा की संरचना क्या होती है, इसकी कोई भी संरचना नहीं होती है, इसकी संरचना पंक्ति को बिगड़ती रहती है, इसमें खानदानी होती है, इसमें होता है। इस प्रकार से हम इस पूरे डायग्राम के माध्यम से जितना सुंदर तरीके से बताएंगे बच्चा उतना अच्छे से समझ पाएगा। तो इसलिए आप जब भी सैंपल कौशल का प्रयोग करते हैं इन सब कंपोनेंट्स का ध्यान रखिए, अक्षरों को स्पष्ट बनाइए। मैंने आपको बताया था कि कुछ अक्षर हम इस तरह से बनाते हैं, अब देखिए मैंने आज छोटा कर दिया माँ बड़ा कर दिया, देख रहे हैं हमें इस तरह से नहीं लिखना है। यहाँ पे हम जब भी लिख रहे हैं अक्षरों में जो है एक समानता होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, अक्षरों में क्या ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आज का जो हमारा कौशल है हमारा सैंपल कौशल है, और इन कौशलों में हमें सभी कौशलों में सभी इंपॉर्टेंस रखते हैं और हमें ध्यान रखना है कि सैंपल कौशल का इसी तौर पे सैंपल कौशल का निपुण हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आपके कोई भी प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। जी आसिफ, आसिफ अपना प्रश्न पूछिए। हमें एक सेकंड, अनम्यूट कैसे हो आप ही कर लीजिए। आसिफ हाँ सर पूछिए। क्वेश्चन ये है सर कि जैसे जनरली हम लोग क्लास में ये डस्टर के बारे में है कि उसको जब हम मिटाते हैं तो छोटी मोटी मिस्टेक्स होता है, बहुत छोटा मोटा,
जिसको जिसमें डस्टर का इस्तेमाल हम ना करें, सिर्फ उंगली का इस्तेमाल भी करें तो उससे मेरा काम चल जाएगा। तो क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो चौक है और जो ब्लैक बोर्ड है वो उसमें केमिकल होता है। मैंने आपको बताया चौक में भी कैल्शियम कार्बोनेट का है बनी होती है, और कहीं ना कहीं हम लोगों को इस धूल के कणों से बचना तो चाहिए, और हमारे हाथ तो गंदे हो रहे हैं निश्चित तौर पर, हम चौक से लिख रहे हैं और वो एक सोभा की जो चीज होती है वो भी नहीं दिखती कि हम हाथ से जो मिटा रहे हैं। आपने कहा छोटी मोटी चीज, हम यदि किसी भी अक्षर को यदि हाथ से मिटाते हैं ये डस्टर से मिटाते हैं, दोनों में अंतर है। आप यदि डस्टर से मिटाते हैं तो स्पष्ट रूप से वो साफ हो जाएगा, और आप खुद इस चीज का प्रयोग आप कितना मिटाएंगे, आप कहेंगे सर कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है उसको हाथ से मिटाना। यदि मैंने एक बार हाथ से मिटाया था तब आपने उसको देखा, और जब मैंने डस्टर से उसका प्रयोग कर रहा था तब आपने निश्चित तौर पर देखा, वो दोनों में अंतर है। और हमें यदि एक कक्षा की जो एक डिसेंटी होती है जिस तरह से डिसेंट क्लास होना चाहिए, एक अध्यापक को हमेशा यदि हमें डस्टर दिया एक कहीं ना कहीं साधन है सैंपल को साफ करने का, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, वो शोभा भी देता है और उससे स्पष्ट भी रहता है कि जो हमें क्लीन करना वो साफ भी हो जाता है। जी पंकज जी, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, हेलो 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 हेलो, आवाज मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ पंकज जी पूछिए अपना प्रश्न। ये सर, ये सर आप ब्लैक बोर्ड पर से सर डेट टाइम सब्जेक्ट जो लिखे थे, तो जिस पोर्शन में डेट लिखे थे वही पोर्शन हम लोग सारा लिख नहीं सकते हैं सर? लेफ्ट साइड जिस पोर्शन में आप डेट लिखे थे उसी पोर्शन में? देखिए क्या होता है कि ये अध्यापक अब जैसे कहते हैं कि लिखने का तरीका है, हर जगह जो जैसे मैंने जो देखा है अभी तक, जो मैं जिस तरह से जिस किसी भी राज्य की बात कर सकते हैं या किसी भी नगर की बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, आप इसको क्या कहते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे डेट विषय इस तरह से लिख सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको ऊपरी लिखें, लेकिन हाँ लिखें जरूर। आप कक्षा में जाते हैं तो आपका विषय, आपकी कक्षा, आपका विषय और आपका क्या कहते हैं जो भी समय अवधि है वो होना चाहिए, प्रकरण को लिख दीजिए, और यदि जब आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में आपको टॉपिक लिखना पड़ता है, आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। पंकज जी ये सर ये कंफ्यूजन था, एक और मोर क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए सर, ये हम मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं तो ब्लैक बोर्ड में हम लोग मैक्सिमम टाइम देखते हैं, हम लोग क्या क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टाइम जाता है, तो हम लोग ब्लैक बोर्ड को टू टाइप दो भाग में बांट देते हैं और एक पोर्शन में हम लोग बनाते हैं उसके बाद दूसरा पोर्शन बनाते हैं, तो उसके बाद एक पोर्शन में अगर हो जाता है स्टूडेंट का तो मैं मिटा देते हैं, ये तरीका सही है या नहीं है? तो हम मैक्सिमम टाइम करते हैं ऐसा जी, आपका तरीका बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं कि मान के चलिए कभी कभी हमारे कुछ सवाल या डेरिवेशन, फिजिक्स में भी डेरिवेशन होते हैं या कुछ इस तरह की विधियां होती हैं, उनको हम अपने ब्लैक बोर्ड को दो भागों में बांट लेते हैं, और उन दो भागों में बांट कर हम क्या कहते हैं एक एक करके, जैसे हमने अपने ब्लैक बोर्ड को दो भागों में बांट लिया है और हम ये देखते हैं कि एक तरफ एक पोर्शन कर लिया कि दूसरी तरफ उसको अपने जो भी हमें प्रूफ करना पड़ता है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, होता है मैथमेटिक्स में समस्या ज्यादा आती है, फिजिक्स में भी ये समस्या रहती है कि हमें डेरिवेशन करने पड़ते हैं, तो डेरिवेशन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, तो ये अच्छा तरीका है, ये अच्छा रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने कोचिंग संस्थाओं में और जो हम आपने कक्षा शिक्षण में देखा होगा जो हम बोर्ड का प्रयोग करते हैं, आपने उसमें बहुत भिन्नता देखी होगी, वहां पे आप देखते हैं कि जो कोचिंग संस्थाएं होती है किसी भी कॉर्नर पे कुछ भी लिख दिया जाता है, पूरा बोर्ड है कहीं पे भी कोई बिंदु लिख देते हैं कहीं भी कुछ, लेकिन आप प्रयास कीजिए जब कक्षा में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से प्रयोग करें कि किसी भी बिंदु को कहीं एक सेंटर पे उसको स्पष्ट जगह लिखें, तो बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर हो पाता है। पंकज जी ठीक है, पंकज जी किरण किरण पूछिए। किरण सर, किरण यहाँ म्यूट, किरण आप अपने आप को कर सकती हैं अनम्यूट। किरण अर्चना
किरण अर्चना मोनी अपने आप को, हाँ अर्चना पूछिए। जी मोनी पूछिए। सर मुझे पूछना है जी, सर जब हमको तीन चीज जैसे मुझे केमिस्ट्री में पढ़ाना है और बच्चों को बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतर बताना है कि सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइडन सिस्टम में, एक ही साथ तीनों के बीच में डिफरेंस बताना होगा, तो जब आप बताए थे किनारे से स्पेस छोड़ना चाहिए ब्लैक बोर्ड में, इस कंडीशन में हम छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं? देखिए थोड़ा सा स्पेस जब आप लिख रही हैं, आपको किसी तीन जो हमारे बिंदु हैं उन तीनों में आपको अंतर करना है। यदि कभी कभी जब देखिए जब ब्लैक बोर्ड को हम व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं तो हम कई बातों को भूल जाते हैं, जैसा कि अभी हमारे आसिफ जी कहते सर वो छोटी सी गलती होती है तो क्या हम उसमें हाथ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्या? यदि आप देख रहे हैं कि वहां पे तीन अंतर करने हैं तो प्रयास कीजिए कि थोड़ा थोड़ा मार्जिन वहां रख लीजिए और जो आप लिख रही हैं उसको उसी लाइन में नीचे ले आइएगा, जैसे फर्स्ट पोर्शन में आपको बताना है कि इसमें ये अंतर है क्या है तो उसका जो दूसरा शब्द जो वाक्य को थोड़ा सा नीचे ला सकती हैं आप, इस तरह से कर सकती हैं। लेकिन मार्जिन छोड़ने का प्रयास हम लोग देखते हैं कि बहुत कम हो पाता है, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे तो थोड़ा सा उसमें सुंदर और स्पष्ट नजर आता है। प्रयास कीजिए कि उसमें सुंदर और स्पष्ट किस तरह से आप लिख सकती हैं, यदि मार्जिन से थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि पूरा लिख सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें सुंदरता और स्पष्टता लाने के लिए कहीं ना कहीं उसको हम लोग इस तरह से करते हैं। सभी विषयों में रूपरेखा शिक्षण कौशल की अलग अलग होती है और उस प्रकार से हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। हाँ किरण पूछिए। किरण किरण अर्चना हेलो 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 हाँ अर्चना आप सवाल करिए, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल करिए। गुड आफ्टरनून सर। सर जैसे हम मैथ के स्टूडेंट है तो जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो दो ब्लैक बोर्ड को दो भाग में डिवाइड कर देंगे, मतलब तो फिर अगर रफ करना हो तो साइड में जाके रफ भी कर सकते हैं ना? आप मैथ के स्टूडेंट हैं? यस सर। देखिए सबसे ज्यादा समस्या जो भी आती है अधिकतर हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में ही आती है। हम लोग क्या करते हैं कि आप मुझे लगता है अर्चना कभी टीचिंग की हो या ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया हो तो निश्चित तौर पे जो हमारा सवाल एक सीक्वेंस में चलता आ रहा है वहां पे तो हम नहीं करते हैं उसको, उसका रफ वर्क हम वहां पे तो नहीं करते हैं उसको, हम कहीं साइड में एक पोर्शन, हमें कहीं ना कहीं एक पोर्शन मेंटेन करके चलना पड़ता है कि उसका हम रफ या किसी प्रकार का हमें कैलकुलेशन करना है उसको हमने किया, लेकिन उस कैलकुलेशन करने के बाद जैसे मैंने क्या बताया था हमें अनावश्यक जो भी चीजें हैं उसको मिटा देना है। यदि वो कैलकुलेशन हमने जो साइड में किया हुआ है उसकी अब आवश्यकता नहीं है उसको हम अपने डस्टर के माध्यम से साफ कर लें और हम उसको आगे प्रोसीड उसको अपने सवाल को कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब करने के बाद मिटा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना ये उसमें लिखा था कि जब भी आप प्रयोग कर रहे हैं जो भी अनावश्यक चीजें हैं उनको आप क्या कहते हैं, और जब आप कर रहे हैं तो विद्यार्थी को बता दीजिए कि इसका ये वर्गमूल निकाला गया है, इसके बाद हमने ये लगाया था फॉर्मूला, इस प्रकार से हमने किया है, बच्चे को पता रहेगा कि हाँ मैडम या सर ने जो भी किया है इसके द्वारा माध्यम से ये निकाला है। देखिए मैथमेटिक्स में मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा मैं भी मैथमेटिक्स में बहुत वीक हूँ और मेरे जो भी अध्यापक थे उन्होंने मुझे कभी भी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं समझाया, और मैं चाहता हूं कि जब भी आप विद्यार्थी को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से बताइए, जो भी फॉर्मूला कहीं आपने उसको रफ में कुछ किया है उसको बता दीजिए कि आपने इस फॉर्मूले का प्रयोग किया है तो बच्चा समझ जाएगा और उसको रोक कर लेगा। यस सर। और सर किस एंगल में खड़े होकर पढ़ाना चाहिए बोर्ड पे? एंगल पे क्या है, जब भी हम जब भी ब्लैक बोर्ड पे बता रहे हैं तो एक निश्चित दूरी जो हमारी है हम इस प्रकार से बताए, कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले विद्यार्थी कहते हैं एंगल तो बनाने कहते हैं कि 60 है इस एंगल का बना लीजिए, लेकिन हम अपने व्यवहारिक रूप से जब आएंगे
यदि हम व्यवहारिक रूप से कक्षा में यदि सब शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो हम इस प्रकार से एंगल से खड़े हों कि चौक जो ब्लैक बोर्ड की और हमारी दूरी है थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए। चौक को हम इस प्रकार से पकड़ें कि जो हम लिख रहे हैं वो स्पष्ट तरीके से लिखा जाए और जो पीछे देखने वाले हैं उनको स्पष्ट रूप से जो आपने बोर्ड पे लिखा हुआ है। यदि मैं यहाँ से कह दूं आपको कि आप 70 या 60 एंगल का बना करके क्या आप उसमें बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं आप कर पाएंगे, क्योंकि जब हम व्यवहारिक रूप से क्लास को हम करना चाहते हैं तो वो चीज नहीं हो पाती है और हम अपने फ्लुएंसी में उसको लिखते चले जाते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है पीछे वाले विद्यार्थी जो बैठा हुआ उसको दिखे, जो लेफ्ट हैंड राइट साइड बैठे फ्रंट में जो बैठा है उसको तो दिख रहा है, ये चीज है किरण अर्चना। यस सर। और सर एक और लास्ट, सर संकेतक का प्रयोग करना चाहिए ये हमको समझ में नहीं आया पॉइंट। संकेतक को हम पॉइंटर के रूप में जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं जब मेन आपने देखा होगा कभी कभी मोस्टली मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम कहीं भी कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा आर्मी में कभी हम किसी मैप को वहां बताया जाता है तो वो लोग संकेतक का प्रयोग करते हैं। वो लोग बताते हैं कि हमें इस पोर्शन में यहाँ जाना है, इस पोर्शन से जाना है, उसको समझाने के लिए सहूलियत रहती है। आपके मान के चले पीछे के बच्चे बैठे हैं हाँ, और आप क्या कर रहे हैं कि जो आपने डायग्राम बना रखा है बच्चा पूछा है तो आप ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल फ्रंट पे खड़े नहीं होंगे, ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट हैंड या राइट साइड पे आप खड़े हो जाएंगे और संकेतक के द्वारा पॉइंटर के द्वारा आप बता देंगे कि ये देखिए ये जो पोर्शन बना हुआ है या ये जो आकृति बनी हुई है ये आकृति इस प्रकार की है या ये मैंने फॉर्मूला लगा के इस प्रश्न को यहाँ पे इस तरह से किया है, जहाँ कोई इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको वहां पे संकेतक के द्वारा बता सकते हैं। चलिए किरण, किरण कुमारी, किरण आपका कोई प्रश्न है? किरण पूछो, सुनील पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुनील। सर बोल रहे सर जैसे कि आपने बताया सर बोर्ड का आकार सर 48 इंच लंबा चौड़ा सर वो सर निर्धारित कुछ है सर इसके अनुपात में बनाया जाता है सर? उसके पहले मैंने लिखा था समानता, यानी एक जो कम से कम का जो स्पष्ट जहां पे हम लोग किसी चीज को बता पाए, एक सामान्य जो आकार होता है एक सामान्य आकार मिनिमम होना चाहिए। नहीं तो आप लोग देखते हैं कि कभी कभी किसी स्कूल में जाते हैं बोर्ड बहुत बड़े होते हैं, कहीं कहीं जाते हैं बोर्ड बहुत छोटे हो जाते हैं, लेकिन जो एक सामान्य आकार है इस तरह का। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये भी आपको बताया था तीन प्रकार के यहाँ पे हमारे सैंपट हैं, एक जो दीवार पे बना हुआ होता है, एक लपेटक के रूप में जब ट्रेनिंग में जाते हैं जब पीएलएम का प्रयोग करते हैं उसको रूप में, या एक स्टैंड बोर्ड होता है वहां पे स्टैंड लगा के हम बोर्ड को लगा देते हैं इस प्रकार से। तो वहां पे इस प्रकार से आप कभी कभी तो यहाँ देखेंगे कहीं कहीं सरकारी स्कूलों में जो सैंपट होते हैं कहीं से टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, इस तरह के सैंपट आपको मिल जाते हैं। लेकिन एक सुंदर सैंपट या जो भी एक सामान उसके साथ जो होता है इस प्रकार। अब देखिए कहीं कहीं हम लोग जब बड़ी हायर एजुकेशन में जाते हैं वहां पे आप ब्लैक बोर्ड को बहुत बड़ा पाएंगे, लेकिन जी सर आप कहीं कहीं दूसरी कक्षाओं में जाएंगे ये मैंने देखा है, हम लोग भी इस चीज को पाए हैं कि हम कहीं कहीं बहुत लंबे होते हैं हायर एजुकेशन में, आप देखिए बहुत लंबे ब्लैक बोर्ड होते हैं उनका साइज बहुत, लेकिन हम बात करें जनरली जो साइज होता है वो यही साइज होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। यदि किसी का और भी संतोष पूछिए। हेलो। हाँ संतोष पूछिए। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संतोष। सर मेरा एक सिंपल सा सवाल है सर, जैसे कि ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड दो जैसे कि बोर्ड होते हैं जी। जैसे सैंपट के अंतर्गत दो बोर्ड को हम रखे ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड,
जी तो दोनों बोर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है और मतलब बोली, बोली। बच्चा किस हेलो जी हेलो आपकी आवाज आ रही संतोष आप पूछिए प्रश्न हाँ सर बोल रहा था कि जैसे कि बच्चा जो है वो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड दोनों बोर्ड में से किससे ज्यादा कंफर्टेबल समझ सकता है देखिए कंफर्टेबल समझ सकता है मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब बोर्ड चलते थे तो सब सिर्फ और सिर्फ बोर्ड जो चलते थे सैंपट ही चलते थे लेकिन आप अपने कॉलेज में भी देखते हैं कि ग्रीन बोर्ड हो चुका है और यहाँ पे व्हाइट बोर्ड भी हो चुका है व्हाइट बोर्ड में हम लोग मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं और ग्रीन बोर्ड में हम चौक का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन जो चीज है जिस तरह से मान के चलिए आप या ग्रीन बोर्ड व्हाइट बोर्ड में क्या चौक का प्रयोग करते हैं क्या बिल्कुल नहीं व्हाइट बोर्ड में हम मार्कर के द्वारा हम शिक्षण कार्य करते हैं और जबकि ग्रीन बोर्ड हो और ये आपका व्हाइट बोर्ड हो वहां पे आप कितने सुंदर तरीके से अपने चीज को अपने टॉपिक को दर्शा सकते हैं लिख सकते हैं सुसज्जित तरीके से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं वो चाहे व्हाइट बोर्ड हो सॉरी चाहे वो आप हाँ निश्चित तौर पर आपका व्हाइट बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है या फिर ब्लैक बोर्ड है वो आपका कोई भी बोर्ड है वहां पे आपको अपना लिखावट आपकी स्पष्टता और सब एक चीज आप पे निर्भर करती है आप कितने तरीके अच्छे से समझा पाएंगे वहां पे वो आप पे डिपेंड करता है बोर्ड सभी अच्छे हैं सरकारी स्कूलों में जाएंगे वहां पे आपको ब्लैक बोर्ड ही मिलेगा और आप प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहां पे ग्रीन बोर्ड का प्रयोग किया जा रहा है तो आप लोग सभी प्रयोग आपको मिलेंगे आप कॉलेज में ग्रीन बोर्ड का प्रयोग कीजिए यहाँ पे और अपने सरकारी में जाते हैं जब वहां पे पीओटी में वहां पे आपको ब्लैक मिलेगा आप दोनों में प्रयास कीजिए दोनों बहुत अच्छे हैं निश्चित तौर पर सर तो कभी कभी होता है क्या कि जैसे कि कुछ बच्चा का दूरदृष्टि दोष होता है कुछ निकट दृष्टि दोष होने के कारण से अच्छी ढंग से उसको कुछ अच्छा स्पष्ट नहीं दिखाई देता है उस स्थिति में क्या करेंगे देखिए यहाँ पे निश्चित तौर पे अपवाद होते हैं कक्षा में कुछ विशिष्ट बालक होते हैं निश्चित तौर पे उन विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए यदि आप प्रयास करना चाहते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है इस तरह का भी समस्या आ रही है तो आप अपना भी एक जो मैंने बताया कि एक हम लोग जो मूवेबल हमारा जो बोर्ड होता है उसकी व्यवस्था यदि हो सकती है सरकारी में तो व्यवस्था बहुत रेयर हो पाती है लेकिन यदि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में देखते हैं वहां पे व्यवस्था होने के चांस रहते हैं आपको व्यवस्था मिलती भी है तो वहां पे आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और या उसको जो पीछे भी बैठा हुआ है तो उसको आप आगे भी ला सकते हैं इस तरह का भी प्रयास कर सकते हैं आप हाँ सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर पंकज जी हाँ पंकज सर ये ब्लैक बोर्ड को सर क्लीन करने का सर कभी हम लोग अप टू डाउन कर देते हैं कभी लेफ्ट टू राइट इसमें सर सही कौन सा है सर देखिए ब्लैक बोर्ड साफ होता है मैं अपने लिए यही मानता हूँ कि मैं तो उसको लेफ्ट टू राइट में ज्यादा स्पष्ट कहूंगा कि लेफ्ट टू राइट यदि आप जाते हैं तो उसको ज्यादा क्लीन कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा कभी जब आप मैथ के स्टूडेंट हैं जहां तक मुझे पंकज समझ में आ रहा है कि मैथ के है ना पंकज आप यस सर यस सर आपने टीचिंग की है यस सर जब आप अपनी टीचिंग पे आते होंगे सवाल लगाते होंगे तो आपको ना ये समझ में आता होगा कि लेफ्ट टू राइट साफ करें या राइट टू लेफ्ट आपको ये लगता होगा जल्दी से इसको क्लियर करें और अपने सवाल को आगे प्रेजेंट करें यही रहता है यस सर यस सर यस मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा एक सैद्धांतिक चीज अलग होती है एक व्यवहारिक चीज अलग होती है हम जब कक्षा में आते हैं तो हमें ये नहीं समझ आता है कि हमें ये लगता है कि हम अपना टॉपिक बच्चे को जल्द से जल्द समझाएं उसको स्पष्ट करें लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा कि यदि हम उसको साफ कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से धीमे से लेफ्ट टू राइट कर देंगे तो डस्ट यदि आप राइट टू आ रहे हैं तो डस्ट आपकी तरफ आने का चांस हो सकता है यदि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डस्ट आपकी तरफ नहीं आएगा ये मुझे ऐसा लगता है जी सर चलिए मुझे लगता है कि सभी के प्रश्न हो चुके हैं लेकिन डीलेड के कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न नहीं पूछे और पूछते तो अच्छा था और मुझे लगता है कि आज का शिक्षण कौशल आपके लिए निश्चित तौर पे भविष्य में लाभदायक रहेगा और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग जो आज मैंने कौशल के घटक बताए हैं उन सभी कौशलों के घटकों पर ध्यान रखेंगे और इस कौशल में निपुण होने का प्रयास करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना और आज के इसमें बहुत अच्छी सहभागिता रही बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ओवर टू सर थैंक यू वेरी मच सौरभ जी बहुत अच्छा आपने
ब्लैक बोर्ड स्किल्स के बारे में बहुत अच्छे से आपने बताया, काफी सारे उदाहरण के माध्यम से बताया और काफी सारे सवालों का भी जवाब दिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्किल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मिस्टर वागीश दुबे सर जुड़ चुके हैं। वागीश दुबे सर, आपका स्वागत है और आइए हम लोग आज रीइंफोर्समेंट स्किल्स के बारे में जाने वागीश सर के माध्यम से। ओवर टू यू वागीश सर। जी सर, धन्यवाद आप सभी को। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसको हिंदी में पुनर्बलन शिक्षण भी कहा जा सकता है। आवाज क्लियर है, सुनाई दे रहा है? जी सर, बोलिए। अच्छा ठीक। सबसे पहले जितना भी स्किल आप लोग सुन चुके हैं, जान चुके हैं, उन सब स्किलों में एक स्किल उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित एक स्किल है पुनर्बलन। जैसा कि आप लोग पुनर्बलन नाम से ही समझ रहे होंगे कि पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पुनः धन बलन। तो पुनः का मतलब फिर से, और बलन का मतलब होता है बल प्रदान करना। इतना चीज क्लियर है? पुनर्बलन का मतलब फिर से बल प्रदान करना, एक बार नवीनता ला देना, विशेष प्रभाव से। जो भी पुनर्बलन का मतलब होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें हम लोग उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं। शिक्षक जो भी होते हैं उद्दीपकों का प्रयोग करते हैं, उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं, और उद्दीपनों का प्रयोग करने में जो प्रस्तुतिकरण होता है वो प्रस्तुतिकरण के उद्दीपकों के प्रयोग से ही अनुक्रिया बढ़ने की उम्मीद हो जाती है। ये पुनर्बलन जो स्किल है, इसको देने वाले आपके वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्कीनर जी हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत उनका पढ़े हैं आप लोग या जानते होंगे इसके विषय में। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, कोई भी क्रिया में अनुक्रिया बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उद्दीपकों का प्रयोग करते हैं। प्रबलन का मतलब होता है बल प्रदान करना। प्रबलन का सिद्धांत जैसा कि जानते हैं कि हल ने दिया है। हल एक मनोशास्त्री है, मनोवैज्ञानिक है, हल ने प्रबलन का पूरा सिद्धांत ही दिया है। लेकिन क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है स्किनर का, उसी पर यह आधारित पुनर्बलन स्किल है। तो इस स्किल में पुनर्बलन का आशय यह है कि जो हमारी क्रिया चल रही है उस क्रिया में ऐसे उद्दीपकों का प्रस्तुतीकरण जिसके कारण, जिसके द्वारा हमारी अनुक्रिया में प्रयोग बढ़ जाता है। जहां सर वो शेयर कर सकते हैं क्या कुछ हम? श्योर सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। पुनर्बलन, पुनर्बलन का जो अर्थ है, इससे आपको पता चलेगा शिक्षक का ऐसा व्यवहार जिससे छात्रों का शिक्षण कार्य और प्रश्नों का सही उत्तर देने में प्रोत्साहन हो। पुनर्बलन शब्द अधिगम के मनोविज्ञान से लिया गया है। जैसा कि आपको हमने बताया कि स्कीनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है उसी पर आधारित है पुनर्बलन। पुनर्बलन में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे शिक्षक या छात्र कोई भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो छात्र यदि शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसमें शिक्षक जो है शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से उन्हें पुनर्बलित करता है। और इससे क्या होता है कि बालक की जो शक्ति है, बालक कुछ चीजें पढ़ रहा है, कुछ लिख रहा है, लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है, वो उसके लिए रुचिकर नहीं है, लेकिन जब शिक्षक के द्वारा ऐसे उद्दीपकों की प्रस्तुति की जाती है या उसको पुनर्बलित किया जाता है या पुनर्बल दिया जाता है, तो छात्र की या बालक की जो प्रतिक्रिया है उसकी शक्ति को बढ़ावा मिलता है, और इसी बढ़ी हुई शक्ति को हम पुनर्बलन स्किल कहते हैं।
इसका प्रयोग हम लोग शिक्षण में करते हैं। पुनर्बलन वो कौन से उद्दीपक होंगे जिसको हम पुनर्बलन कह सकते हैं, तो शिक्षक किस तरह से किस उद्दीपकों का प्रयोग करके छात्रों का को पुनर्बलित करता है या उनको पुनर्बलन देता है, जैसे पुरस्कार और दंड, जैसे शाबाशी देना, प्रशंसा करना, कमियां बताना, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं सब पुनर्बलन स्किल के अंतर्गत आती है। वैसे पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पुनर्बलन। पुनर्बलन की एक परिभाषा है पलवर्ग एवं मारिस के अनुसार, पुनर्बलन या ओलिवर के अनुसार, जैसा कि आपने आप लोग देख रहे हो, दिखाई दे रहा है ना। पुनर्बलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करता है, ये ओलिवर की परिभाषा है पुनर्बलन के संदर्भ में। पुनर्बलन स्किल के संदर्भ में ओलिवर जी का कहना है कि पुनर्बलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है, जबकि पलवर्ग एवं मारिस के अनुसार एक परिभाषा है कि वीडियो पुनर्बलन पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए मौखिक पुनर्बलन से अधिक प्रभावशाली होता है। ये पलवर्ग कहते हैं कि जो भी मौखिक का मतलब आप लोग समझते हैं ना, अपने मुख से, शिक्षक अपने मुख से जो भी विचार, वक्तव्य या जो बातें बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए, उनके प्रशंसा के लिए या उनको पुनर्बलित करने के लिए या उनकी शक्ति को प्रबलित करने के लिए जिन मौखिक शब्दों का प्रयोग करता है, उन शब्दों से अधिक वीडियो पुनर्बलन पर्यवेक्षक द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है। अगर कुछ दिखा करके हम उनको पुनर्बलित करते हैं तो वो कैसे हो सकता है, जैसा कि अभी पुनर्बलन के टाइप्स के बारे में हम बताएंगे आपको, पुनर्बलन के प्रकार के बारे में, इसके बाद फिर हम बताएंगे कि किस तरह से हम शाब्दिक और अशाब्दिक, नकारात्मक और सकारात्मक किस तरह से पुनर्बलन की बात करेंगे। तो ये रही पुनर्बलन की परिभाषा। अब हम बात करेंगे पुनर्बलन के प्रकार। पुनर्बलन के प्रकार के संदर्भ में हम बता रहे हैं कि पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पुनर्बलन और दूसरा ऋणात्मक पुनर्बलन। एक धनात्मक पुनर्बलन और दूसरा ऋणात्मक पुनर्बलन होता है। धनात्मक पुनर्बलन किसे कहते हैं और ऋणात्मक पुनर्बलन किसे कहते हैं? जैसे धनात्मक पुनर्बलन का मतलब होता है कि जिस पुनर्बलन के द्वारा, जिस उद्दीपक के द्वारा छात्रों के वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाया जाता है, उसे हम धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जिन उद्दीपकों के द्वारा, जिन वक्तव्यों के द्वारा, जिन विचारों के द्वारा हम छात्रों के वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाते हैं, उसे धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं या सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। और दूसरा जो है ऋणात्मक या नकारात्मक जो पुनर्बलन होता है, तो
जिस पुनर्बलन के द्वारा छात्रों के गलत या अवांछित व्यवहारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे जिस पुनर्बलन में हम कुछ दे करके, कुछ जोड़ करके उनके वांछित व्यवहारों में परिवर्तन करते हैं या प्रबल बनाते हैं, वो सकारात्मक होता है या धनात्मक पुनर्बलन होता है। और जिनमें उनके व्यवहारों में से कुछ चीजें हटा करके, कुछ घटा करके या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करके जब उनके पुनर्बलन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं या अभ्यास में रख करके कराते हैं, तो उसको हम लोग ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन या सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। तो सकारात्मक के भी दो भाग हैं, सकारात्मक पुनर्बलन के भी दो भाग हैं। एक शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। चलिए ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक के भी दो पार्ट होते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन किसे कहते हैं या धनात्मक पुनर्बलन किसे कहते हैं? धनात्मक पुनर्बलन पुनर्बलन कहते हैं, इसे ऋणात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं और नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। इस पुनर्बलन के द्वारा छात्रों के गलत या अवांछित करने का प्रयास किया जाता है, जो उनके अंदर अवांछित व्यवहार होते हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। पुनर्बलन अभ्यास में को इस प्रकार से कराया जाता है कि शिक्षक जो है, जो भी शिक्षक हैं, वो अब पुनर्बलन में सकारात्मक पुनर्बलन का ही प्रयोग करें, नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग न करें, या अधिक से अधिक सकारात्मक पुनर्बलन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सकारात्मक पुनर्बलन के भी दो प्रकार हैं, एक शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। तो शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन है जिसमें शिक्षक शब्दों के द्वारा, मौखिक शब्दों के द्वारा विद्यार्थियों के को पुनर्बलित करता है या उनकी अनुक्रिया में वृद्धि करता है या उनके सीखने की प्रक्रिया में और गति प्रदान करता है, तीव्रता प्रदान करता है। जैसे छात्र यदि कुछ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं और शब्दों के द्वारा अगर कहा जाए या हम उनसे कोई प्रश्न कर रहे हैं, छात्र अगर उत्तर उसका बताते हैं तो हम वेरी गुड कहते हैं
या अगर कोई सुझाव शिक्षण के या कंटेंट के संदर्भ में वो देते हैं तो उसका हम समर्थन करते हैं या उसको स्वीकार करते हैं, तो इस तरह से छात्र का उत्साह वर्धन होता है और वह जो है जो भी क्रिया अनुक्रिया कर रहा है उसमें वो वृद्धि होती है। जैसे वो उत्तर देने की जो प्रक्रिया है, यदि हम छात्र को उत्तर देते समय छात्र उत्तर गलत यदि दे रहा है और यदि हम डांट देते हैं या उसके ऊपर गुस्सा करते हैं तो वो क्या होगा, नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा, शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। और यदि हम उसके बातों को सुनते हैं और समझते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके सुझावों का समर्थन करते हैं और उसके उत्तर को अपने द्वारा बताते हैं कि इस तरह के उत्तर नहीं, यह ऐसे नहीं होगा बल्कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से यदि हम उनको अपने विचारों से अवगत कराते हैं और बताते हैं तो उनका उत्साह बढ़ेगा और वह बार बार उत्तर देने की क्रिया में आपका सहयोग करेंगे और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में वो बार बार सीखने का प्रयास करेंगे और उनका उत्साह इस प्रकार से संवर्धन होगा। तो इस तरह को हम सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे हम कभी प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो बच्चा प्रश्न का उत्तर देता है तो हम क्या करते हैं, अच्छा लगता है तो हम उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, या अगर उसके संदर्भ में जो भी शिक्षण क्रिया हो रही है, जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसमें अगर बालक खड़े होकर के अपने विचारों को देते हैं तो उनके विचारों का समर्थन शिक्षक को करना चाहिए, इससे उनको पुनर्बलन मिलता है, फिर से उनकी उनके अंदर एक शक्ति का संचार होता है और उनकी जो अनुक्रिया है सीखने सिखाने की, जो रुचि है, जो इंटरेक्शन हो रहा है उस शिक्षण के साथ उनका और आपके साथ या क्लासरूम में मिलने जुलने का, वो और अधिक बढ़ता है। तो इसे हम शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन करते हैं। इसमें हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उनके उत्साह को और बढ़ाते हैं, उनकी रुचि को बढ़ाते हैं, उनके सुझावों का समर्थन करते हैं। इतना चीज क्लियर। अब हम सकारात्मक और शाब्दिक पुनर्बलन की बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और दूसरा सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। तो अशाब्दिक पुनर्बलन क्या होता है कि शिक्षण के दौरान जब शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न करते हैं, बच्चे उसका उत्तर नहीं सही बताते हैं या हिचकिचाते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, तो शिक्षक अशाब्दिक या उत्तर सही दे देते हैं या वो सब लोग शिक्षण प्रक्रिया में आपका सहयोग करते हैं, आपके साथ चलते हैं, कंटेंट के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ती दिख रही है, तो आप बिना विचारों को व्यक्त किए हुए, बिना कुछ बोले हुए, बिना शब्दों को बोले हुए भी आप उनका पुनर्बल कर सकते हैं, पुनर्बलन कर सकते हैं, पुनर्बलन उद्दीपक को प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसे? उचित भावों का प्रयोग, कुछ ऐसे भाव को आप शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे विद्यार्थी को ये लगता है कि सर हमारी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं या हमारे विचार इस संदर्भ में बहुत अच्छे हैं, हमको उनका मनोबल और थोड़ा बढ़ता है। जैसे आप यदि कोई उत्तर बच्चा दे रहा है तो आप न कुछ बोल करके यदि मुस्कुराते हैं उसको देख करके तो भी उसका पुनर्बलन बढ़ता है और उसकी इच्छा जो है प्रबल होती है और वह बार बार उत्तर देने का प्रयास करता है और सीखने का प्रयास करता है। या यदि उसके द्वारा दिए गए उत्तर को या शब्दों को यदि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर उसके शब्दों को लिख भी देते हैं तो यह भी अशाब्दिक पुनर्बलन का कार्य होता है और पुनर्बलन का उद्दीपक होता है। इस तरह से भी उनका उत्साहवर्धन होता है और अनुक्रिया उनकी तीव्र हो जाती है। तो ये रहा सकारात्मक पुनर्बलन के दो प्रकार, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। अब हम बात करेंगे पुनर्बलन के दूसरे प्रकार की, जो है नकारात्मक, नकारात्मक पुनर्बलन। तो नकारात्मक पुनर्बलन के विषय में हमने बता दिया कि नकारात्मक पुनर्बलन
या ऋणात्मक पुनर्बलन जिसमें हम कुछ चीजें घटा देते हैं या हटा देते हैं उसको हम ऋणात्मक पुनर्बलन या नकारात्मक पुनर्बलन कह सकते हैं। क्या हटा देते हैं? तो नकारात्मक पुनर्बलन के भी दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन और अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। अब शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन क्या है? उसमें हटाने की बात है, क्या हटाना है और क्या बढ़ाना है। जैसे सकारात्मक पुनर्बलन में हम लोग क्या करते हैं, उद्दीपकों को बढ़ाते हैं, उद्दीपकों को बढ़ाते हैं जिससे उनकी अनुक्रिया में वृद्धि होती है। उद्दीपक क्या होते हैं? कुछ ऐसे चीज, ऐसे विचार, ऐसे वक्तव्य, ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग उनके प्रति करते हैं जिससे उनके अंदर सीखने की जो अनुक्रिया होती है या उत्तर देने की अनुक्रिया होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत कौन से हम उद्दीपकों को हटा देते हैं? तो जैसा कि जान रहे हैं कि पुरस्कार देने से, तारीफ करने से, ये सब पुरस्कार तारीफ करना ये सब क्या है? उद्दीपक है। इन उद्दीपकों को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। जैसे कोई बच्चा यदि गलत उत्तर देता है तो हम क्या करेंगे? क्रोध करेंगे, उसको डांट देते हैं क्लासरूम में। बच्चों को क्या करते हैं? डांटते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बैठो तुम्हारा उत्तर ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं करना, ऐसे उद्दीपकों को हटा देना, पुरस्कार नहीं देना, तारीफ नहीं करना। इसको हम नकारात्मक शाब्दिक नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कह सकते हैं। जैसे चिल्लाना, डांटना जो भी है, जैसे कभी कभी बच्चा यदि गलत आंसर देता है, गलत उत्तर देता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको डांटने लगते हैं या चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना, बस उसको समझा देना है, उसको बता देना है कि ऐसे नहीं, इस तरह से इस क्रिया को की जा सकती है, यह आंसर ऐसे नहीं होगा, यह उत्तर यह नहीं बल्कि यह होगा। अगर ऐसा भी कर देंगे तो यह नकारात्मक पुनर्बलन होगा, इससे उसका मनोबल कम नहीं होगा बल्कि पुनः वह फिर उसकी अनुक्रिया जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें उसकी अनुक्रिया की वृद्धि होगी और वह गति प्रदान होगा उसमें। इसे हम नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहते हैं। और दूसरा जो है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, इसमें क्या होता है? एक में तो हम चिल्लाना, डांटना इस तरह का क्रिया करते हैं तो नकारात्मक ये शाब्दिक पुनर्बलन होता है, उसमें पुरस्कार हम नहीं देते हैं पुरस्कारों को बल्कि क्या करते हैं? हटा देते हैं। जैसे शाब्दिक सकारात्मक हम लोग पुरस्कार देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको उसकी तारीफ करते हैं, उसको गुड वेरी गुड कहते हैं। इसमें उस गुड वेरी गुड को नहीं कहना है, उसकी तारीफ नहीं करना है, उसकी प्रशंसा नहीं करना है। इन सारे उद्दीपकों को हम हटा देते हैं बल्कि उसको समझा देते हैं कि यह उत्तर ऐसे नहीं बल्कि इस तरह से होगा, ऐसा बता करके हम नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं, जबकि नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग कम किया जाता है। यह नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन हुआ। दूसरा नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। अब नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन कैसे होगा? तो पुनर्बलन जैसा कि जान रहे हैं कि ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऐसी क्रिया करते हैं, ऐसे उद्दीपकों को प्रस्तुत करते हैं छात्रों के लिए जिससे छात्रों की अनुक्रिया में वृद्धि होती है। तो अशाब्दिक पुनर्बलन में हम कौन सा क्रिया करेंगे, कौन से ऐसे उद्दीपकों को प्रस्तुत करेंगे? तो अशाब्दिक पुनर्बलन में हम छात्र जो भी क्रिया करेगा, जो भी उत्तर देगा, गलत देगा, उस पर हम क्रोध नहीं करेंगे। पहले वाले में, शाब्दिक वाले में तो क्रोध नहीं करके बल्कि हम क्या करेंगे, पुरस्कार नहीं देंगे बल्कि उसकी बातों को छोड़ते हुए उसको दूसरी तरफ बता देंगे कि देखिए यह उत्तर ऐसे नहीं बल्कि ऐसे हो सकता है। तो उससे उसकी अनुक्रिया में वृद्धि होगी,
बल्कि वह बच्चा डर करके फिर उत्तर देने का ऐसा नहीं करेगा कि फिर डर करके आपका उत्तर ही नहीं देगा या शिक्षेगा नहीं, शांत हो जाएगा। यदि ऐसा करेंगे तो वो शाब्दिक हो गया। और अशाब्दिक में हम कभी क्रोध वाला भाव दिखाते हैं, कभी आंखें दिखाने लगते हैं, कभी गुर्राने लगते हैं, या क्रोध वाले भाव अपने मुखमंडल पर इस तरह का प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। इसे हम अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। इतना चीज क्लियर है? और किसी को कोई बताइए, अनम्यूट हो जाइए कोई बालक और बताइए कि इतना चीज समझ में आ गया तो फिर आगे बताते हैं। पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन के प्रकार धनात्मक पुनर्बलन या सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन या ऋणात्मक पुनर्बलन। इसके बाद सकारात्मक पुनर्बलन के दो प्रकार, शाब्दिक पुनर्बलन और शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन और अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। इतना चीज क्लियर है? कोई भी कोई बालक अनम्यूट हो जाए और अनम्यूट होकर के बताए। आवाज क्लियर सुनाई दे रही है ना? ये देखिए, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन, सुधारात्मक वचनों का प्रयोग, छात्र सुझावों का समर्थन, छात्र का उत्साह वर्धन, इस तरह से शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन होता है। इसे हम शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन कह सकते हैं। अगला जो है अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन, अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन, इसमें उचित भाव का प्रयोग करते हैं, छात्रों के अच्छे उत्तरों को चैंपट पर लिखना, इसे हम अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन करते हैं। इस तरह से हम पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं शिक्षण के दौरान। इसमें हम अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन में क्या करते हैं कि उचित भाव का प्रयोग करते हैं, जैसे मुस्कुराने लगते हैं बच्चे की तरफ देख करके, या उनके द्वारा दिए गए उत्तर को या उनके द्वारा दिए गए सुझाव को या उनके बोले गए शब्दों को यदि हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, श्यामपट पर लिख देते हैं, इससे भी उनके सीखने की जो अनुक्रिया होती है वो बढ़ जाती है। इसे हम अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। ये है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। कक्षा शिक्षण में छात्रों की अनुक्रियाओं को दृढ़ करने के लिए कुछ उद्दीपकों को हटाने की प्रक्रिया नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहलाती है। जैसे यह गलत है, ऐसा नहीं है, जो तुम कह रहे हो वो गलत है, तो इसको हम नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहते हैं। ये नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग छात्रों की गलत अनुक्रिया अथवा प्रत्युत्तर पर शब्दों का प्रयोग किए बिना भावों के माध्यम से नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है।
जैसे गुर्राना, आंखें तरेरना, आंखें दिखाना या क्रोध वाला भाव दिखाना, ये सब क्या है? नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन है। इतना चीज क्लियर हो गया? तो फिर हम आगे बताते हैं कि पुनर्बलन कौशल के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पुनर्बलन के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज कि पुनर्बलन को आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पुनर्बलन का प्रयोग आवश्यकता से अधिक नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए शिक्षण में। दूसरा पॉइंट, पुनर्बलन सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं होता है, केवल जो बच्चे उत्तर देते हैं या जो अधिक होशियार बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, पुनर्बलन देने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन व प्रयोग करना चाहिए। पुनर्बलन जब देना है कब अच्छा कहना है बालक को, कब बहुत अच्छा कहना है, कब गुड कहना है, कब वेरी गुड कहना है, कब उनके सुझाव का समर्थन कहना है, उस तरह की यदि स्थिति आती है तब आप उनका समर्थन करते हैं या उस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं या उपयुक्त जो शब्द होंगे उनका चयन करके तब उसका प्रयोग करना चाहिए। ये पुनर्बलन की पुनर्बलन स्किल का प्रयोग करते समय ये सब सावधानियों को बरतना चाहिए, इन सब सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। अगला, पुनर्बलन के लिए नए नए कथनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब जितने भी बच्चे उठ करके आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, उन सभी बच्चों को आप गुड वेरी गुड कहते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से जो उनकी अनुक्रियाएं होंगी वो बढ़ने के बजाय घट जाएंगी, सामान्य हो जाएगी। सर सबको तो वेरी गुड बहुत अच्छा कह रहे हैं, तो इसलिए जिसका जैसा उत्तर हो उसके अनुरूप आप उनको पुनर्बलन प्रदान करें और पुनर्बलन के लिए आपको नए नए शब्दों का, नए नए कथनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये सब पुनर्बलन कौशल के प्रयोग में सावधानियां। अब हम पुनर्बलन कौशल के घटक की बात करते हैं। पुनर्बलन कौशल के कौन कौन से घटक हैं? तो ये घटक हैं प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। पुनर्बलन कौशल में प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें आप शिक्षण के दौरान शिक्षण कार्य करते समय बच्चों से प्रश्न पूछने के पश्चात उनसे उत्तर मिलने के बाद आपने प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया या नहीं किया, जैसा कि रेटिंग स्केल जो है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 न्यूनतम अंक और 4, 5, 6 ये अधिकतम अंक होता है। तो पहला आपका घटक यह होगा कि प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। प्रशंसा से पूर्ण कोई बच्चा यदि आंसर देता है शिक्षण के दौरान शिक्षण की क्रिया में, अगर आप उसके उत्तर से संतुष्ट हैं तो आपको प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें यदि आप करते हैं तो आपको 4, 5, 6 के अंतर्गत, अच्छे से करते हैं तो 4, 5, 6 के अंतर्गत आपको मार्क मिलेगा, और नहीं तो नहीं करते हैं या करते हैं समुचित प्रयोग नहीं करते हैं या प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको 1, 2, 3 में से कोई मार्क्स मिलेगा। ये पुनर्बलन कौशल के घटक है। दूसरा है हाव भाव तथा अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग। हमने बताया शाब्दिक और अशाब्दिक दो चीजें हैं,
सकारात्मक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक है और नकारात्मक पुनर्बलन में भी शाब्दिक और अशाब्दिक है। तो हाव भाव के साथ अन्य जो अशाब्दिक संकेत हैं इनका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। कभी बच्चों से मुस्कुराते हुए उनका आंसर ले लेना चाहिए या उनको प्रशंसा दे देना चाहिए या उनका उनको फीडबैक दे देना चाहिए या उनका उत्साहवर्धन कर देना चाहिए या उनकी अनुक्रिया को बढ़ा देना चाहिए अशाब्दिक संकेतों के प्रयोग से। हाव भाव के द्वारा सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए ऐसे सब अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये दूसरा घटक है। तीसरा घटक है छात्रों के विचारों एवं भावों से अपनी सहमति प्रकट करना। जैसे छात्र आपके शिक्षण करने के पश्चात आप जो प्रश्न उनसे कर रहे हैं या जो भी शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उद्दीपकों का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें छात्र जो अपने विचार दे रहे हैं, जो छात्र अपने भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, उन विचारों और भावों के प्रति आपको सहमति प्रकट करना है। यदि आप करते हैं तो उसमें किस तरह से आप सहमति प्रकट करते हैं उस रेटिंग स्केल के अंतर्गत आपकी सहमति को भरा जाएगा। यदि आप न्यूनतम करते हैं तो 1, 2, 3 के अंतर्गत होंगे, यदि आप अच्छे से करते हैं तो 4, 5, 6 के अंतर्गत आपको मार्क दिया जाएगा। अगला है नकारात्मक और शाब्दिक कथनों का प्रयोग। सकारात्मक और नकारात्मक, नकारात्मक जो अशाब्दिक कथन है, अशाब्दिक जो शब्द जिसमें नहीं है बल्कि क्या है उनके भावों को विचारों को उत्तरों को आपने श्याम पट पर लिख दिया या कुछ इस तरह का आपका हाव भाव बन गया, आपके हाव भाव को देख करके बच्चा समझ गया कि सर प्रसन्नचित हो रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं, तो ये अशाब्दिक कथनों का प्रयोग हो जाएगा। नकारात्मक अशाब्दिक वाली बात है, तो यदि आप क्रोध के भाव दिखा रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं, चेहरा आपका लाल हो गया, इस तरह के भाव को, भ्रुकुटी आपकी टेढ़ी हो गई, इस तरह के भाव को दिखा रहे हैं, तो इस तरह का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा घटक है। पांचवा घटक जो है नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग। नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग और नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग भी होना चाहिए, तो इस तरह के प्रयोग। अगला छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट पर लिखना। छात्रों के सही उत्तर, छात्र यदि उत्तर सही दे रहे हैं तो उनको शाबाश, वाह, गुड, वेरी गुड या उनके जो दिए गए उत्तर हैं उन उत्तरों को यदि आप श्यामपट पर लिख देते हैं तो वो शाब्दिक होगा कि अशाब्दिक होगा? कांति कुमारी, कांति कुमारी अनम्यूट कर लीजिए। काजल कुमारी आवाज सुनाई दे रही? आसिफ इकबाल मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ कांति कुमारी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए पहले। अच्छा अभी नहीं अनम्यूट, ठीक है। तो इस तरह से छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट पर यदि लिख दीजिएगा तो ओके ओके, छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट पर लिखना। तो छात्रों के सही उत्तरों को यदि आप श्यामपट पर लिख देते हैं तो यह अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। अगला घटक जो है पुनर्बलन का समुचित उपयोग। पुनर्बलन में जितने हमने बताए आपको सकारात्मक और नकारात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, सकारात्मक शाब्दिक, सकारात्मक अशाब्दिक, नकारात्मक शाब्दिक और नकारात्मक अशाब्दिक, इन सभी पुनर्बलन का प्रयोग आपके द्वारा अपने शिक्षण के दौरान किया गया। अगला है छात्रों के सुझाव का समर्थन। आठवां घटक जो है वो छात्रों के सुझाव का समर्थन। तो यदि आप छात्रों के सुझावों का समर्थन करते हैं तो वह भी शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह से उनका समर्थन कर सकते हैं, तो भी आपको समुचित यदि करते हैं तो आपके वो जो घटक है उसमें रेटिंग स्केल में जो न्यूनतम मार्क्स हैं या जो अधिकतम है उसकी प्राप्ति आपको की। इस तरह से स्किल ऑफ
रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन कौशल हमने कंप्लीट किया। अब इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जा सर, क्वेश्चन आंसर सेशन। हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हाथ रेज करके क्वेश्चन पूछें। हाँ, एनीबॉडी एल्स, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पुनर्बलन कौशल के बारे में। एनीबॉडी, किसी का भी कोई क्वेश्चन? चुन्नू का एक क्वेश्चन आ रहा है। चुन्नू जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें। बताइए। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, जैसे बोले थे कि पुनर्बलन जो तेज स्टूडेंट रहते हैं उनको ज्यादा देना चाहिए। ऐसा नहीं, हमने बोला कि तेज स्टूडेंट हो उनको ज्यादा देना चाहिए। यस सर। हाँ बोल, आपका क्वेश्चन क्या है बताइए, तो फिर बताते हैं हम आपको। सर जैसे पुनर्बलन जो अप्रिसिएशन है वो तो जैसे जो कमजोर स्टूडेंट है उनको भी देके तो उनका मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, जैसे पुनर्बलन की बात हमने किया तो पुनर्बलन शिक्षण के दौरान सामूहिक नहीं आप देख सकते हैं। यस सर। यदि सामूहिक रूप से आप पुनर्बलन उद्दीपकों का प्रयोग करते हैं तो वो प्रभावशाली उद्दीप प्रभावशाली पुनर्बलन नहीं होगा। यदि किसी बच्चे को आप उससे कोई उत्तर लेते हैं या कोई उसकी क्रिया जो शिक्षण के प्रति जो कोई भी क्रिया कर रहा है उस क्रिया के अनुरूप यदि आप उसको पुनर्बलन देते हैं तो वो उसकी क्रिया में अनुक्रिया को बढ़ाने का कार्य करेगा, वो चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे वो तेज बच्चा हो। ऐसा नहीं कि जिस बच्चे से आप आंसर ही नहीं लिए उसको आप पुनर्बलन दे रहे हैं तो वो आपका पुनर्बलन का कोई प्रभाव नहीं होगा। यस सर। हाँ ठीक है। और किसी को? हाँ मोनी बताइए। सर, बोलिए। सर स्क्रीन पे आ रहा है वीडियो पुनर्वर्णन ऑडियो पुनर्वर्णन। सर वीडियो ऑडियो क्या है? वीडियो ऑडियो? यस सर। एक परिभाषा थी, हमने शुरू में ही आपको बताया था कि वीडियो पुनर्बलन ऑडियो पुनर्बलन एक परिभाषा थी, उसके विषय में बताया गया था। तो वीडियो पुनर्बलन ऑडियो पुनर्बलन से अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे ऑडियो मतलब यदि हम बोल करके ऑडियो का मतलब जानते हैं ना कि जो आवाज के द्वारा हम बोल करके आपको कुछ पुनर्बलन देते हैं, तो उससे अधिक प्रभावशाली यदि दिखा करके, वीडियो का मतलब वही होता है ना जिसमें हम विजुअली देख सकते हैं। यस सर। हाँ, तो बच्चे को भी दिखेगा और उस तरह का पुनर्बलन अगर बच्चे को प्राप्त होगा तो वह ज्यादा प्रभावशाली होगा, यही इसका मतलब है। जैसे बच्चे बहुत संकोची प्रवृत्ति के होते हैं और इसमें यदि हम बच्चों को खड़ा करते हैं उनसे आंसर लेने के लिए, उत्तर देने के लिए यदि कहते हैं, अगर बच्चा गलत भी उत्तर दे रहा है उसको हम स्वीकार कर लेंगे। अगर उसके गलत उत्तर को हम गलत ना करके कह करके यह कह दें कि यह उत्तर इस तरह से नहीं होगा बल्कि इस उत्तर को इस तरह से दिया जा सकता है, इसका सही उत्तर यह होगा, तो यह और प्रभावशाली होगा, यही इसका मतलब। सर ये तो ऑडियो पुनर्वर्णन हुआ ना, वीडियो रहेगा तो हमको लिख के देना होगा। लिख के देना होगा। हाँ, अशाब्दिक पुनर्बलन हो जाएगा। यस।
और किसी का कोई सवाल? सवाल तो नहीं आ रहा है। मैं अटेंडेंस लिस्ट शेयर कर दिया है मैंने, सभी लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। और कल जो है हम लोगों का जो स्किल है वो सौरभ सर के द्वारा, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विथ एग्जांपल्स, और सेकंड हाफ में मृदुला मैडम के द्वारा स्किल ऑफ इंक्रीजिंग पीपुल पार्टिसिपेशन, ये स्किल होगा कल, मतलब परसों, कल चूंकि संडे है परसों। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें, क्लास जब स्टार्ट हो रहा था तो मैंने इस चीज़ को बताया कि अब आप लोग सब लोग 6 स्किल के ऊपर में आधारित माइक्रो प्लान को तैयार कर लीजिए कल, अपने अपने मेथड टीचर्स के सहयोग से पहले बना लीजिए, उसके बाद सर को व्हाट्सअप करिए, उसके पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करिए, और फिर उनसे जो भी उसका फीडबैक मिलता है, जो भी सजेशन देते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपना अपना प्लान तैयार कर लीजिए, एक एक प्लान रेडी कर लीजिए ताकि आपको टीचिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कम से कम प्लान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप प्रेजेंट करेंगे तो उसमें यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्लान से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो फर्दर में, इस चीज़ को ध्यान में रखने की कोशिश करना है। और दूसरी चीज़ ये है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाह रहा था कि चूंकि कल संडे है, इसके बाद फिर हम लोगों का बहुत शेड्यूल बहुत ज़्यादा ही ये हो जाएगा, हैक्टिक हो जाएगा शेड्यूल थोड़ा सा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और अपने मेथड वाले टीचर से और अपने मेथड के जो सब्जेक्ट के जो भी फैकल्टी हैं उनसे जरूर संपर्क में रहिएगा, ताकि आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, वो आप उनसे शेयर करके और भी संपर्क परेशानियों का समाधान जो है निकाल सकते हैं। और मैंने फर्स्ट जो फेज़ है वो 6 तारीख को ख़त्म होगा। फर्स्ट फेज में नीचे में आप देखे होंगे मेथड वाइज फैकल्टी के नाम मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से मेथड वाइज फैकल्टी के नाम के हिसाब से अपना प्लानिंग तैयार कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। और मैं जो स्किल के बारे में बता रहा था कि कौन कौन से स्किल है, मैं इंट्रोडक्शन स्किल जिस पर आपको प्लान बनानी है, 6 स्किल के ऊपर में आप सभी लोगों को प्लान तैयार करना है, इंट्रोडक्शन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, यूजिंग ब्लैक बोर्ड स्किल, प्रोबिंग क्वेश्चन, और लास्ट रीइन्फोर्समेंट स्किल। तो आप देख रहे हैं कि 6 स्किल पर प्लान बनाना है, और 6 स्किल पर में क्लासेस ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। तो उस 6 स्किल पर में जो है आप लोग अपना प्लान तैयार कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। मेरा यही था कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ये हमारा होमवर्क समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है। अगले सप्ताह आप लोगों को खुद जो है थोड़ा सा एक्टिव हो करके सारा काम को करना होगा, हम लोग थोड़ा सा गौन रहेंगे, आप ही लोगों को ज़्यादा एक्टिव रहना है, तो अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लीजिए, यही हमारा कहना था। और अटेंडेंस लिंक हमने शेयर कर दिया है, सभी लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। अटेंडेंस लिंक 3 बजे के बाद नहीं लिया जाता है, सभी लोगों को पता भी होगा, तो सब लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच, क्लासेस को हम लोग यहीं एंड करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, धन्यवाद।